में हर घर घर में इसे मैं नीला करता हूँ। एक दिन गोपियों ने देखा उसको किसी तरह से पकड़ में नहीं आता, किसी तरह से, कब पता नहीं आता, कब घाट में चला आता। बल्कि एक काम करो, ये जो छीके के ऊपर में एक बेल लटका दो, फिर कृष्ण जब खाएगा मखन बेल अपनी आज बजेगी, फिर तो हम पता चलेगा। इतने में कृष्ण जब आए देखा छीके के ऊपर बेल लटका, बोले ये क्या, कृष्ण तो समझ गए मेरे को पकड़ने के लिए धान रचाया। इतने में कृष्ण वो बेल से बात की, बोले भैया तू है कौन, बोले मैं आपका सेवक हूँ, बोले मैं कौन हूँ, बोले आप हमारे प्रभु है, बोले ये बताओ सेवक का क्या कर्तव्य है, बोले प्रभु का आदेश पालन करना, बोले देखो जब तक मैं ये मक्खन खाऊंगा तब तक ये बजना नहीं, फिर जब मैं मक्खन खाकर चला जाऊं ना फिर बजना। इतने में कृष्ण मक्खन को नीचे उतारे और जब कृष्ण खाने लगे वो बेल अपने आप, हाँ वो बेल अपने आप बजने लग गए। कृष्ण ने कहा भैया तू क्यों बज रहे हो, बोले प्रभु आपको पता नहीं जब तक ये घंटी नहीं बजती है ना तब तक आपको भोग नहीं लगता। देखना हम जो भोग लगाते कैसे, ये घंटी बजाते हुए भगवान को भोग लगाते। पास कृष्ण जल्दी जल्दी मक्खन खाए और वहां से ना तो 11 भगवान हो गए। इसलिए ऐसे ही कृष्ण घर घर में प्रभु मक्खन चोरी करते, प्रभु जी ऊपर जा बिठा आएगा यहाँ उनके लिए चार लिया है। इसलिए अभी ऐसे ही भगवान घर घर में प्रभु ये मक्खन चोरी करते थे, घर घर में प्रभु मक्खन चोरी करते थे। एक दिन मैया जसोदा ने कृष्ण से बोल बोले कृष्ण लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन है। बोले क्यों मैया, बोले शादी नहीं होगी। बोले बताओ शादी कैसे होगी, पूरा ब्रज में घर घर में हला हो गया है तो घर घर में मक्खन चोरी करता हो। बोले ये बताओ ये चोर को कोई क्या अपना बेटी देगी, लगता है तो कुंवर का कुंवर रह जाओगे। कृष्ण तो बड़े दुखी हो गए, बिल्कुल गड़बड़ी हो गया, मैया कहते मेरी शादी नहीं होगी कोई बेटी नहीं देगा। इसलिए कृष्ण ने सोचा मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दू ना मैया को विश्वास हो जाए मैंने मक्खन चोरी नहीं की। कृष्ण क्या मैया को एग्जाम्पल दिए, बोले क्या एग्जाम्पल दिए, बोले मैया मोरी मैंने मक्खन खाया, सुन मैया मोरी मैंने मक्खन खाया, ये बताओ हैं मैं नहीं माखन खायो। बोले कैसे, बोलो भोर भयो गई अनक बाचे मधुवन मय पठाय, चार प्रहर बंसी बट भट को सांझ पड़े घर आयो। बोले हां, बोले दिन भर गैया चराया और रात में मैंने तेरे गोद में रात भर सोया था कि नहीं। बोले हां, बोले चराया दिन भर गैया रात भर तेरे गोद में सोया, बोले मखन को चुरी। भैया बोले बात सही बता रहा, तो मैं बालक बहन का छोटो काहे भी तो छिका पायो, मखन तो छिके को पर रखते है ना, मैं इतना छोटा सा 3 साल का बालक हूँ, भैया बता मेरे हाथ कैसे पहुंचा वहां पर। बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है। बोले मैया क्या बताऊं, सखा लोग इतने दुष्ट है खुद तो मक्खन खाते हैं और चोर जबरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन को लगा देते हैं और मेरे को ये चोर बना देते हैं, इसको क्या करता हूँ, तेरे हाथ में खुजली मचने लगते हैं। हरे कृष्ण, इसलिए कहते तुमने बराबर मुंह लपटायो, कहते ये जोर जबरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन को लगा देते हैं। कृष्ण ने कहा भैया लगता है मैं तेरे लाला है ही नहीं, लगता है किसी ने
मेरे को जन्म देकर कोई फेंक कर चला गया था, अब तुमने वहां से उठा करके मेरे को पालन किए हो, क्योंकि ये दुनिया मेरे को मक्खन चोर का था, तू भी मक्खन चोर बोलते हो, लगता है तेरे मित्र माँ बेटा तो है ही नहीं। बस इतना सुनते ही मैया जसोदा का हृदय तक तो पानी पानी हो गया। इतने में मैया ने झट कन्हैया को गोद में भर लिया, बोले नहीं लाला तुमने मक्खन चोरी नहीं की। अरे कृष्ण फिर शब्द को बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने माखन खाया, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। देखो हमारी संतों ने ये मक्खन चोरी की बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है। भगवान ये मक्खन क्यों चोरी करते थे और ये मक्खन चोरी का तात्पर्य क्या है, कहते इसका नाम है मक्खन। ये मख मतलब होता है क्रोध, ना मतलब नहीं। भगवान किस चीज को चोरी करते हैं, बोले भक्तों का हृदय को चोरी करते हैं। बोले किसके हृदय को, सभी का हृदय को, बोले नहीं, बोले जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य नहीं उसकी हृदय को चोरी करते हैं। बोले किसकी हृदय में नहीं, बोले भक्तों का हृदय में। बोले भक्तों में चुड़ामणि भक्त कौन है, सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, बोले ब्रज की बोलियां। उद्धव जी की चरण की एक धूल को उद्धव जैसे व्यक्ति भी कहते आशा मोह चरण रेणु जुसा मम श्यांग वृंदावन यतोना। उद्धव जैसे सर्वश्रेष्ठ भक्त भी जिनकी चरण की एक धूल को प्रार्थना करते हैं, शंकर जैसे व्यक्ति भी गोपी बनकर के आते हैं, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जिनकी चरण की पत्थर बनना चाहते हैं, ऐसे भी ब्रज की गोपियां हैं। इसलिए इनके हृदय को चोरी करना चाहते हैं, मक्खन चोरी नहीं। दुनिया का जो मालिक वो चोरी क्या करेगा, सारा दुनिया का तो मालिक है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े संत हृदय न बनी दसमाना, संत हृदय बनी दसमाना, संत हृदय बनी दसमाना, संत हृदय बनी क्यों चोरी करते थे, पहले मक्खन बनाने से पहले पहले दूध लाओ और दूध गर्म करो। दूध गर्म करना मतलब क्या, पहले जब किसी साधक का हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जगी, कब भगवान मिले, कब भगवान मिले, हमें प्रभु कब मिलेंगे, यही दूध गर्म। पर उसके बाद में उसमें जवन डालते हैं, लेकिन जवन ज्यादा होगा ना फिर खटा हो जाएगा, थोड़ी सी होनी चाहिए। और ये जवन जवन क्या है, जब हृदय में उत्कंठा है फिर भगवत इच्छा से उसको सदगुरु की प्राप्ति होती है। फिर सदगुरु उसको जो मंत्र देते हैं, जैसे कृष्ण है, राम है, राधा है, दो अक्षर है, बड़ा ताकत है, भगवान को भी खींच करके ले आता है। इसलिए जमन डाला मतलब होता है उसमें सदगुरु का चरण आश्रय किया, फिर क्या हो गया, अभी दही हो गया। फिर दही को बाद में फिर उसको मंथन कर, फिर मंथन करना मतलब क्या, गुरु जी से मंत्र ले लिया, हरिनाम ले लिया, उसको बाद में हमें साधन करने का जरूरत है। ऐसे नहीं गुरु जी हरि नाम ले लिया माला जान का लग गया, गुरु जी के मंत्र ही नहीं किया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
बोले हरे कृष्ण भाग कर लो कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र और यह जब व्यास पे करिया निर्बंध बोले तुमको ये हरिनाम मैंने दिया है ये हरि और हरिनाम में कोई फर्क नहीं इसलिए ये नाम चिंता मणि कृष्ण ये चैतन्य रस विग्रह नाम स्वयं भगवान। फिर क्या करो बोले यह जप किया सबे करिया निर्बंध ये जो मैंने हरिनाम दिया है उसको नियम करके हरिनाम जपा करो ऐसे नहीं जब इच्छा हो गया कुछ कर दिया नहीं तो क्या नहीं महाप्रभु कहते नियम करके हरिनाम करो बोले नियम इसका मतलब हमारे भक्त ठाकुर कहते हैं कम से कम 1,00,000 हरिनाम करो कितने हरिनाम करो 1,00,000 इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया आज हमारे घर में खाना है महाप्रभु बोले देखो सबको घर में खाना नहीं खाता बोले किसको घर में खाना खाओगे बोले जो लखपति नदी आज से कितना साल पहले 5.5 साल पहले लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मगर हो 1,00,000 मतलब अरब खरबपति बोले जिसको घर में लखपति वही खाएंगे बोले प्रभु आप लाख की बात कर रहे हो हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं है 100 रुपया मतलब कितना 100 स्वर्ण मगर आप लाख की बात कर रहे हो इसका मतलब क्या हमारे घर में आप भोजन ही नहीं करोगे अरे महाप्रभु समझाया जानते हो असली लखपति कौन है बोले कौन है रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी नाम जप करते हैं 1,00,000 जो भगवान की हरि नाम जप करते हैं वो असली लखपति है इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली जिन जिन कैया उदाहरण दिया जैसे आप यहाँ से कलकत्ता जाने जाते हो
आप बंबई जाना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, अपने टिकट बनाया, लेकिन अगर टिकट हो क्या पकेट में रखो वहां पहुंच जाओगे वहां पर? आपको क्या करना, रेलवे स्टेशन में जाना पड़ेगा, अपना बगी नंबर देख करके उस कोच में बैठना पड़ेगा, फिर तो आपको ये ट्रेन लेकर के अपना स्थान पर पहुंच जाएगा। अगर टिकट को पकेट में रख दिया तो नहीं जा सकते हो। इसलिए गुरु जी से हरिनाम ले लिया बस हो गया क्या? नहीं, उसके बाद में हमें साधन की जरूरत है, अपना हरिनाम की जरूरत है, नित्य नियम का पूर्वक अपना गुरु मंत्र जप करनी चाहिए, भगवान की संख्या पूर्वक नाम गान प्रणाम नति सेवा पूजा ये सब करना चाहिए। इसलिए इसको कहते हैं मंथन। फिर मंथन करोगे तो क्या मिलेगा? फिर एक तरफ में मक्खन, दूसरे तरफ में छाछ। बोलिए मक्खन क्या है? बोले प्रेम। ये मक्खन है प्रेम। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो प्रेम का दो लक्षण है, साधन का दो लक्षण, भाव का दो लक्षण और प्रेम का दो लक्षण। बोले दो लक्षण किया, बोले सांदर नाम का विशेष आत्मा और श्री कृष्ण कर्षण जैसा। प्रेम का दो लक्षण है, जैसे आप दूध को गर्म करते 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 रागड़ी बन जाती है, मतलब जब हृदय में प्रेम प्रकट होगा ना, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रतिपदम पूर्णा मृतास्वादनम, प्रति पद पद में आपके लिए नई 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 आनंद की आस्वादन होगा, आनंद नई नई पुराने नहीं नई नई आनंद। और दूसरा लक्षण किया, बोले श्री कृष्ण कर्षण जैसा, जैसे कमल का फूल खिलने पर कमल भौरा के पास में नहीं, ये भौरा स्वयं फूल के पास में आता है, हृदय में कृष्ण प्रेम और पुष्प जब प्रस्फुटित होगा, मक्खन जब होगा ना क्या होगा, फिर ये फूल भौरा का मतलब नहीं, मतलब ये साधक भगवान के पास में नहीं, भगवान स्वयं साधक के पास में आएगा। इसलिए जब ये गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन जब प्रकट होता है, गोपियां कृष्ण के पास में नहीं, कृष्ण गोपियों के पास में आते हैं। इसलिए मक्खन चोरी नहीं, उनके हृदय को चोरी करने के लिए प्रभु आया करते थे। ये मक्खन चोरी की तात्पर्य है। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय। जय श्री राधे, पिता की गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। अभी मैया यशोदा देखती है, उन्हें क्या बात है, ये रोज रोज ये सब गोपियां आकर के शिकायत करती हैं, तेरे लाला मक्खन चोरी करता, क्या सचमुच सबर लाला जाता है? मैया सोचती है लगता है मेरे घर में जो गोपियां काम करती है ना, इनको मक्खन निकालना शायद सही से नहीं, इसमें शायद खट्टा होता होगा मक्खन, मेरे लाला दूसरे घर में मक्खन चोरी करती है। एक दिन मैया यशोदा गोपियों से बोले, आज मैं स्वयं मक्खन जमाऊंगी, स्वयं मक्खन मंथन कर मक्खन निकालूंगी। इसलिए उनके घर में ना ला गया, लेकिन उनका घर में कद 8-10 विशेष गया, जिनका नाम कहते पद्मगंधा गाभी। ये जो पद्मगंधा गाभी कहते उनका लक्षण क्या, बोले उनका जो कान है वो श्याम रंग का होता है और उनकी दूध से कमल फूल का खुशबू निकलता है, वो ऐसे केवल इनकी दूध से और किसी दूध से नहीं। मैया ने अपना हाथों से स्वयं दूध कर निकाली, अच्छे तरह से उन्होंने गर्म किया और उसको जमाया, और जमा करके देखो अगर दो दिन हो जाएगा ना जमना, फिर जो मक्खन होगा खट्टा होगा मीठा नहीं होगा, लेकिन आज अगर जमा करके कल इसको मंथन करो, देखना वो जो मक्खन निकलेगा वो खट्टा नहीं होगा, वो मीठा होगा मक्खन, क्योंकि एक दिन बाद में आपने उसको निकाल दिया है, हैं? इसलिए मैया जो सवेर सवेर उठ गई, कृष्ण पलंग को भी सो रहे हैं, मैया आकर के दधि मंथन कर रही है, हाथों में तो दधि मंथन कर रही थी और मुंह में कृष्ण का कीर्तन गा रही थी, बोले गोविंद दामो धर्माधमेति, गोविंद दामो धर्माधमेति, गोविंद दामो धर्माधमेति, गोविंद दामो धर्माधमेति, हरे कृष्ण हरे राम सब हे सनेति, गोविंद दामो धर्माधमेति, हरे कृष्ण हरे राम सब हे सनेति, गोविंद दामो धर्माधमेति, हरे गोविंद दामो
यहाँ पर मैया सब माताओं को शिक्षा देती है, हाथों में जो कुछ सेवा मांग करके और मुंह में क्या करो, ठाकुर जी का नाम जप करो। इधर मैया अपना हाथ में चूड़ी पहन के रखती थी। अब देखना पहले पहले माताएं यहाँ से यहाँ तक चूड़ी पहना करती थी, शादी से पहले कभी लड़कियां कभी खाली, अभी जैसे खाली हाथ में रहती लड़कियां, कोई भी कभी खाली हाथ में नहीं रहती थी। इसलिए शादी से पहले एक उनका हाथ में शंखा होगा ही, एक कोई काज होगी, लेकिन जब वो शादी करती है ना, कभी यहाँ से यहाँ तक चूड़िया पहना करती, यहाँ से यहाँ तक चूड़िया पहना करती थी माताएं। इसलिए मैया जशोदा जब मंथन करती थी, ये चूड़ी की आवाज हो रही थी। बोले कैसे, जैसे हम कीर्तन कर रहे ना, कीर्तन करते समय मजीरा बजा रहे, वो चूड़ी से जो आवाज आती थी मजीरा की, जो रही थी उसमें जो घर 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 शब्द हो रहा था उसका आवाज हो रही थी मृदंग। अब लोग ध्यान लगा कर देखना, जब ये ढोलकी बजाते ना मृदंग को, इसमें एक आवाज आती है, उसका नाम है दीपतांग दीपतांग दीपतांग। मतलब क्या, कभी जो ढोलकी मृदंग है, कभी ये साक्षात बलदेव प्रभु नित्यानंद। इसलिए गुरु होने का नाते सबको शिक्षा दे रहे हैं, मतलब दीपतांग दीपतांग। मतलब है जिनको भगवान ने ये मानव शरीर दिया, लेकिन ये शरीर पाकर के भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनका जीवन को अधिकार है, उनका जीवन को अधिकार है। अभी इधर मैया कीर्तन कर रही है और इधर दधी वंदन कर रही है, इसका फल क्या, कृष्ण। इसलिए कृष्ण नारद जब पूछा प्रभु आप कहाँ रहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं दुनिया कहते हैं मैं वैकुंठ में रहता हूँ, लेकिन वैकुंठ में नहीं, कहते सब योगियों का हृदय में नहीं, बोले कहाँ, बोले बस भक्ता का जत्र गाय, जहाँ मेरे भक्त गान करते हैं। भैया इधर सेवा कर रही है, उन्हें कीर्तन कर रही है, इसलिए कृष्ण का नींद खुल गए, अब बच्चे का नींद खोलते दूध पीने की इच्छा करती है, बोले भैया तो दधि मंथन कर रही है, पलंग से धीरे धीरे उतरे और पीछे भैया को पकड़े, बोले भैया भैया मेरे को भूख लग रही है, भैया मेरे को दूध पिला दे, बोले लाला तेरे को दूध भी पिला दूंगी मक्खन भी पिला दूंगी, थोड़ी सी रुक जा, क्योंकि जब सूर्य उदय होने पर गर्मी हो जाता है, गर्मी होने पर मक्खन निकलना कठिन, इसलिए थोड़ी सी रुक जा। बोले अभी रुको, इतने भूख लग रहा है, देखा मैया दूध ही नहीं पिला रही है, कृष्ण सामने घूम कर गया आगे, बोले मैया का काम बंद नहीं करो ना, दूध नहीं पिलाएगी, दोनों हाथ से रही तो करेंगे। मैया देखे बड़े दिमागदार है, बड़ा बुद्धिमान है, फिर मैया कन्या को गोद में लेकर दूध मिला है। जब माताएं बच्चे को दूध मिलाती है ना, बड़ा आनंद लगता है, लेकिन ये दूध कौन पी रहे हैं, बोले विश्व ब्रह्मांड का मालिक दूध पी रहे हैं। इसलिए कृष्ण का बुखार भी तो बड़ा सुंदर है, कोट दिव्य फल जैसे, मैया जशोदा कन्या को बारंबार चुंबन कर रही है और उनका रोम रोम से हैं रोम रोम खिल रहा था, हृदय प्रेम गदगद हो रहा था। इधर मैया चूल्हे में दूध गर्म करने के लिए बैठा रखी थी, इतने में जो दूध है ना वो उफन उफन करके दूध आग में गिरने जा रहा है। श्री लज्जीव गोस्वामी कहते हैं पर ये दूध गिरने क्यों जा रहा है, बड़ा सुंदर बात होता है, पर ये दूध सोच रहा है लगता है ये जीवन हम कृष्ण सेवा में नहीं मिलता, बोले कारण, बोले मैया की स्तन में विश्व ब्रह्मांड जिसको खीर समुद्र कहते हैं ये मैया के दूध में समाया हुआ, बोले कृष्ण का पेट कितना बड़ा, बोले विश्व ब्रह्मांड पेट, मतलब है कृष्ण का पेट भी भरेगी नहीं, मैया की दूध भी खत्म नहीं होगी, लगता है कृष्ण सेवा में लगनी। अगर ये जीवन को हम कृष्ण सेवा में नहीं लगा पाएंगे, ये जीवन धारण करके कोई लाभ नहीं है। इसलिए भागवत में कहता है बोले तरवह किं जीवन्ति वस्त्रं किं सुकृतं न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम बसव परि। सुत गोस्वामी कहते हैं अगर जिंदा रहना सबसे बड़ी बात हो ना, कल मानव सब जल लिया और जिंदा रह गया, बोले देखो पेड़ देखो पीपल पेड़ देखो बरगद पेड़ 5,000 साल जिंदे, बोले उनका जीवन सार्थक था, बोले हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं ना, बोले ठाकुर घर बसरा होता है, कुम्हार लोग व्यवहार करते हैं वो भी प्लास्टिक का होता है, जैसे हवा जाता है और हाथ आता है, बोले एक मशीन भी हवा लेता है, बोले खादन थी, बोले हम बढ़िया चकाते हैं रोटी सब्जी हैं पनीर पालक शाही पनीर बढ़िया बढ़िया चकाते हैं खाते हैं, बोले तुम कितने खाते हो, हाथी से ज़्यादा खाते हो क्या हैं, बकरी दिन भर खाता रहता है, और खाने के लिए तो हम माइनर स्कूल हाई स्कूल पीएचडी
फिर तो 10-10 15 15 घंटा काम करके खाना खाते, बोले जानवर को देखो घूमते हैं, कोई स्कूल कॉलेज नहीं, आसान से खाना खाते हैं। बोले हम जो बच्चे जन्म देते हैं, बोले साल में कितने बच्चे जन्म देते हैं, एक सुअर को देखो एक साथ में 6 महीना में एक बार बच्चा, एक दर्जन से कम है। और एक बच्चे को बड़ा बनाने के लिए हम 20-25 साल, वो 1 महीना में बच्चे को बड़ा कर देती है। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं कि बोले खाना पीना बच्चे जन्म देना बड़ा होना हमसे बहुत एडवांस ही जानवर है, लेकिन ये मानव शरीर केवल इसी के लिए नहीं, ये मानव शरीर तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, केवल इसी जीवन में वो ब्रह्म को हम जान सकते हैं और किसी जीवन में नहीं। इसलिए जो दूध उफन रहा था वो ये बोल रहा था अगर हम कृष्ण सेवा में नहीं लग पाएंगे तो जिंदा रहकर कोई लाभ नहीं, मर जाना ही सही है। इसलिए वो आग में कूदने जा रहा था, लेकिन भैया तो जसोदा, जसोदा मतलब क्या, जसम ददाती थी जसोदा, सबको जो जस दे आदर दे। मैया बोली है दूध उफरना नहीं, अभी मैं हूं ना तेरे को मैं कृष्ण सेवा में लगाऊंगी, थोड़ा रुक जा अभी तेरे को मैं कृष्ण सेवा में लगाऊंगी, उफरना नहीं। बोले कन्हैया थोड़ा गोद से उतर जा लाला। बोले क्यों? बोले दूध उफन रहा है, बोले आधा पेट भरा नहीं, बोले गोद से उतर जा, मेरे को तो भर पेट खिला करके दूध रखा करने के लिए जा है। भैया ने देखा इधर कूद भी उफन रहा है और उधर दूध भी उफन रहा है, ये दोनों ही उफन रहे, फिर हमें क्या करनी चाहिए? पहले ये दूध रखा करे। बोले क्यों? बोले मेरे स्तन में जो दूध ये तो है लाला के लिए, अगर ये दूध उफन गया ना फिर मलाई नहीं बनेगी, फिर मक्खन नहीं बनेगी, फिर लाला को मक्खन कहाँ से खिलाऊंगी? तो लाला थोड़ा उतर जा। बोले नहीं, जैसे बंदर पकड़ लेते ना, कृष्ण तो मैया को जोर से पकड़ लिए, बोले उतर गनी उधर पकड़ करके ना कृष्ण को ही बैठा दिया है। और मैया ने जब रक्षा करने के लिए गई, आप देखना बच्चे का ज्यादा क्रोध आ जाए ना, वो सामने जितने सामान होता सब फेंकवा देता है। बोले अभी मैं दिखाता हूँ कितने दूध तू रक्षा कर सकती हो। वो इतना बड़ा जो मटकी था जिसमें मैया जसोदा मंथन कर रही थी, बोले ये मटकी को ही पलट दूंगा। कृष्ण पकड़ करके उसको पलटने के लिए कोशिश किया, लेकिन उम्र कितना 3 साल, मटकी कितना, इतना बड़ा मटकी कृष्ण से टस से मस भी नहीं हुआ, मटकी पलट नहीं रहे। देखा वहां पर पड़ा हुआ था पत्थर और मार मटकी में, और मटकी फूट गई और वो बन गया था छाछ, सब निकलने लगा। कृष्ण तो बड़े खुश हैं, मटकी फोड़ दी, मैंने मटकी फोड़ दी। हरे कृष्ण ने देखा, हे भगवान अभी आई ना, अगर देखा मटकी फोड़ दिया, डंडा एक नीचे नहीं पीठ में गिर गया। हरे कृष्ण वहां से भागे, भाग करके गए, बोले कहां गए, दूसरे घर में। फिर उखर ऊपर खड़े हो गए, मक्खन को उतारे, जितने कौए बंदर को बुला ले, बोले भैया इधर आ गए, इधर आ जा, लो मक्खन का। बोले क्यों? ये कौए बंदर को क्यों बुलाया? बोले बंदर हुए हैं हनुमान के वंश में, रामलीला में मैंने इनको कुछ भी खिलाया नहीं, ये जंगल से अपने आप खाते थे, मेरे लिए भोजन दिया। रामलीला में इनको कुछ खिला नहीं पाए, कम से कम कृष्ण लीला में मक्खन मक्खन था। बोले कौए कौन है? बोले काक भूषण, जो नित्य निरंतर कृष्ण कथा राम कथा करते हैं, हैं? बोले तो मेरी कथा करता था, उनके वंशधर सबको मक्खन खिला रहे थे। भैया थोड़ी देर बाद में आए, देखा मटकी फूटा हुआ। बोले चोर जब चोरी करता है ना, वो ऐसे कुछ चिन्ह छोड़ करके जाता है जिसको चोर सियाह की पकड़ लेता है, वो सियाह की पकड़ लेता है। लेकिन कृष्ण तो बहुत बड़े चोर, छोटे चोर तो है ही नहीं, लेकिन तब भी उन्होंने कुछ चिन्ह छोड़ कर गया। बोले उनको प्यार में भी दही लगा हुआ था, घर में फैल गया ना, चारों तरफ में फैल गया, कृष्ण का प्यार में भी ये लगा हुआ था दही। जब कृष्ण चलते 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 गए, कृष्ण का चरण का चिन्ह भी पड़ते उठते गया था। यहाँ पर हमारे टीकाकार कहते हैं क्या कृष्ण को ये बात पता नहीं था? कृष्ण तो भगवान है ना, मैया मेरे चरण छाप देकर के मेरे को पकड़ ले, क्या पता नहीं? फिर ये चरण छाप क्यों छोड़ कर गए? इसलिए गीता में कहते हैं जनमान उपजानते। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो सच दीन से मेरे को पुकारता है, अंतर हृदय से मेरे को पुकारता है, बोले ददामी बुद्धि युगम काम, मेरे तरफ में एक कदम बढ़ाए ना, मैं उसके तरफ में 10 कदम बढ़ाता हूँ, सारी बुद्धि विवेक
देता है। अब उपनिषद में क्या कहता है, ना अयम आत्मा प्रवचनी उपनिषद कहता है भगवान को प्रवचन को द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, न मेधया तो बुद्धि को द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, न बहुना श्रुते न नहीं कर सकते हो। बोले कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बोले जमे वैसे सकते हैं जिसको भगवान स्वयं जानते हैं, अपना बुद्धि से नहीं जान सकते। इसीलिए कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, बोले यद्यपि समाधि से विधिरपि पश्यति यतव नघाग्र मरीचि, ब्रह्मा भी ध्यान करते कर जिसको था नहीं पाते। इसलिए कृष्ण स्वयं पकड़ में नहीं आए, उनको ही नहीं पकड़ सकते। कृष्ण को पता है मैया ढूंढेगी मुझे, लेकिन अगर मैं स्वयं पकड़ में नहीं आऊ तो मैया मेरे को पकड़ नहीं सकती। इसलिए कृष्ण चरण का छाप छोड़ सकते हैं। अगर मैया ढूंढेगी, मैया मैंने चिन्ह रख कर गया इधर से पकड़ना, मैया ने एक डंडा उठाया जैसे बिल्ली चलते हैं धीरे धीरे, बिल्ली ऐसे ही बिल्ली जैसे मैया धीरे धीरे चलते चलते गई। देखो कृष्ण मक्खन तू भा कोई बात नहीं, लेकिन मक्खन कौन और बंदर को लुटा रहा है, मैया को तो और ज्यादा क्रोध आ गया। इतने कष्ट करके मैंने मक्खन बनाए, मतलब मक्खन बनाते हो पता होगा इतने कष्ट करके मक्खन बनती है, बल फिर कौवा बंदर को खिला रहे, इतना क्रोध आ गया मैया को, इसको बंदर देनी चाहिए। मैया जो पकड़ने के लिए जा रहे थे ना, कृष्ण पहले से ही मेन रोड का दरवाजा खोल करके आए थे। बल अगर मैया इधर आ जाए तो भी इधर चल जाएंगे, क्यों, पहले माता है, कोई घर से बाहर कोई नहीं निकल, हर समय पर्दा में माताएं रहती थी। मैया तो जाएगी नहीं, भाग जाऊंगा। जब कृष्ण भागे, लेकिन उस दिन था दीपावली, ब्रज में कोई पुरुष नहीं थे, वो दीपावली मनाने के लिए चले गए। मैया बोली कहाँ जाओगे, मेरे कोख से जन्म लिया ना, तो उसे चरणों में घर की स्त्री बाहर नहीं निकलोगी, आज ब्रज में कोई नहीं पुरुष है, आज तेरे को मैं छोड़ने वाले नहीं। मैया तो कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछे भागी, जब पीछे भाग रही थी, कृष्ण तो 3 साल के छोटे बच्चे भाग रहे और मैया थोड़ी सी मोटी थी, जब थोड़ी सी भागने में हाथने लग गई, मैया हाथने लग गई तो मैया चोटी में सुंदर सुंदर फूलों के श्रृंगार करने लगी थी, एक फूल गिनते गिनते जा रहा था, मानो पुष्प ये बता रहा था, बोले मैया तू अकेला अपना को मत समझो, तेरे साथ में हम भी है, आज कृष्ण को छोड़ना नहीं, सब मिलकर कृष्ण को पकड़ना, आज छोड़ना नहीं। इतने में कृष्ण ने देखा मैया, मैया को कहां तक भगा, मैया तो हाँपने लग गई, मैया हैं, मैया हाँपने लग गई। इतने में कृष्ण ने मैया ने डंडे को उठाया, बोले कृष्ण खड़ा होता कि नहीं, देख रहे हो मेरे हाथ में डंडा, अभी फेंक करके मारू। जब मैया ऐसे की ना, कृष्ण वहीं पर खड़े हो गए, बोले मैया मैं तो खड़ी हो जाऊंगा, लेकिन तेरे हाथ में जो डंडा है ना, पहले ये डंडा को फेंक दे। मैया ने बोली तेरे को थोड़ी मारूंगी, आज तेरे को तो मैं पूजा करूंगी, माताएं कभी कभी बच्चों को पूजा करती होगी, कैसे पूजा करती हो आपको पता होगा, बच्चों को पूजा करती हो, बोले तेरे को मारूंगी नहीं मैं, तुम पूजा कर, तेरे को पूजा करूंगी। मैया डंडे को पीछे कर दी और कृष्ण को पकड़ लिया, पकड़ लिया। इतने में हमारे श्री सत्यव्रत मुनि बड़ा सुंदर एक अष्टमी लिखते हैं, बोले नामामि सौर सचिदानंद रूप I don't know what to do.
कृष्ण बड़े डरेंगे, मैया मेरे को मारूंगा, मैया मेरे को मारना नहीं। और मुंगुर श्वास कंप बार बार श्वास छोड़ रहे थे और मैया मोटी मोटी काजल लगा दी थी और कृष्ण दोनों हाथ से मसल रहे थे। और काजल मिश्रित जो पानी है ना, जैसे काला रंग के कहते, एक तरफ में गंगा और एक तरफ में जमुना, जैसे दो धार से कृष्ण की आंखों से प्रवाहित हो रहा था, कृष्ण की आंखों से। और कृष्ण बहुत डरे हुए, बोले भैया मेरे को मारना नहीं, भैया मेरे को मारना नहीं। भैया बोले बताओ ये मटकी फोड़ी किसने? कृष्ण बोले भैया सची सची बता ना, झूठ बता। बोले झूठ क्यों, सच सच बता, मटकी फोड़ी किसने? बोले भैया मैंने थोड़ी मटकी फोड़ी, जब तू दूध रखा करने जा रहे थे ना, पहले पहले माता है प्यार में कितने मोटी मोटी कौडले पहना करते थे पुरानी जमाने। बोले तो जो तेजी से जा रही थी ना, वो कौडले लग करके मटकी फोड़ गई, मैंने थोड़ी मटकी फोड़ी। देखो कितना दुष्ट है, मटकी खुद फोड़ दिया और मेरे नाम पर लगा रहा है। बोले ये बताओ ये बंदर कौवा को मक्खन किसने खिलाया? बोले जिसने बनाया उसने खिलाया। बड़े बड़े बात करते हो है। बोले तू बहुत चोर बन गया। कृष्ण बचपन में सुना था कृष्ण के, कहते उनके एक मामा, उनको मामा का नाम था चोर गो है। बोले मैं चोर, मैं तो नंद बाबा का बेटा है, मेरे बाबा नंद राजा हैं, तेरे तेरे बिहार में तेरे पिताजी के घर में कोई चोर गो होगा, मेरे घर में कोई चोर नहीं। बोले पता नहीं ये सब कहां से सुनकर मेरा काम। बोले तू तो बंदर का दोस्त हो। बोले भैया अगर मैं बंदर का दोस्त हूँ मेरे को छोड़ दे, फिर बंदर के साथ रहूंगा, तेरे घर में नहीं रहूंगा। कृष्ण बड़े क्रोध में थे, अभी तेरे को छोड़ दे मैं जंगल में चला जाऊंगा। अब देखना जो बच्चों को ज्यादा क्रोध आ जाए ना, उस समय जो दिमाग में रहता ना वो कर देता है। भैया ने देखा इतने कष्ट से एक छोटा लाला मिला, अगर सचमुच से जंगल में चला गया तो फिर क्या होगा? भैया सोचा अभी बच्चा है, थोड़ी देर क्रोध फिर शांत हो जाता है, बोले थोड़ी समय उसको बांध करके रख देती हूँ। भैया ने अपना चोटी से एक रस्सी निकाली, जब उन्होंने बांधने के लिए बहना उसने दो मुड़कों पर और एक रस्सी ले आ, और एक रस्सी लाई, फिर गांठ लगाई, फिर बांधने के, फिर दो अंगूर, बोले और एक रस्सी ले आओ। गोपियां बोली भैया विधाता ने तेरे लाला की ललाट में बंधन नहीं लेता, कैसे बांध? बोले क्या मैं बांध नहीं सकती, मेरे कोक से जन्म लिया, बांध करके रहूंगी, और एक रस्सी ले आओ। ब्रज का सारी रस्सी समाप्त हो गया, लेकिन जो दो जो अंगुल है ना वो किसी तरह से दो अंगुल कोई नहीं पड़ी, तीन चार पांच अंगुल भी जब जब बांधने के लिए उसमें दो अंगुल ही कम पड़ गए। अभी हमें रोहिणी सुंदर प्रभु जी आपको ये बताएंगे उसमें तीन अंगुल चार अंगुल कम नहीं पड़ता था। भैया जब जब बांधने के लिए कोशिश करती थी उसमें दो ही अंगुल क्यों कम पड़ता था, अभी प्रभु जी आपको ये रहस्य बताएंगे। अभी बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। देखो अगर कोई व्यक्ति केवल इतना चीज कोई समझ जाए ना, आपको इसी जीवन में भगवान मिल जाए, इसी जीवन में आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कि ये दो अंगुल क्यों कम पड़ता था, इसकी रहस्य अगर हम सही सही ये रहस्य अगर कोई समझ गया तो मतलब ये इतने महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमारे टीकाकारों ने बड़ी सुंदर इसकी मर्मात बताया। अगर रोहिणी किशोर गुरु अभी इसका आपको रहस्य आप बताएंगे ये दो अंगुल क्यों कम पड़ता था। और आप लोग सुनने के बाद है ना मैं आपको पूछूंगा, फिर मैं देखूंगा कौन इसका मतलब समझ पाया। ठीक है, ऐसे सुनना जैसे जब मैं पूछूंगा जैसे आप मेरे को दो बार बता सकते। ठीक है, पहले मानव की बेटी को मैं पहले पूछूंगा तुमने क्या समझी, अभी प्रभु जी बोलेंगे ध्यान देकर सुनना, तेरे को बाद में पूछूंगा। ठीक है,
सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर परिव्राज आचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राज आचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राज आचार्य श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे मंच पर असीम भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे भक्ति वैभव आश्रम महाराज जी के चरणों में प्रणाम और हमारे जितने भी आचार्य वर्ग उनके चरणों में प्रणाम, आप सब लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम। महाराज जी को तो मैंने कल प्रश्न पूछा था, आज महाराज जी ने मुझे प्रश्न पूछ लिया है, तो ये प्रश्न की श्रृंखला चल रही है, उसमें हम काफी कुछ समझेंगे। हो सकता है कि मैं महाराज जी के प्रश्न का उत्तर कितना दे पाऊं, मेरी ये गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है कि मैं आप सब लोगों को बता सकूं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर कथाएं हमारे श्रीधर महाराज यहाँ पे कर रहे हैं। एक छोटे बच्चे की कथाएं हैं, मक्खन चोरी करना, मटकी पे पत्थर मारना, और इसमें क्या है, ये तो छोटे बच्चे करते हैं आपस में। ये वो ब्रज की बातें हैं जहां पे एक भक्त पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम में डूब जाता है। जैसे मैंने कल कहा था कि क्या ये बताओ कि कृष्ण जब रो रहे हैं, मैया उनको बांध रही है, तो क्या वो सच में रो रहे हैं? तो वो सच में रो रहे हैं, वो सच में रोते हैं, तो फिर भगवान तो नहीं हुए। मैंने कहा कि अगर वो सच में नहीं रो रहे तो मैया को एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, यही होगा फिर तो इसका मतलब मैया को वो पागल बना रहे हैं क्या? नहीं, वो खुद भी वात्सल्य रस का आस्वादन उठा रहे हैं, वो वात्सल्य रस का आस्वादन उठा रहे हैं, मां का प्रेम का आस्वादन वो डूब के उठाते हैं। अगर वो याद रखें कि वो भगवान है तो क्या वो उसका आस्वादन उठाएंगे? तो इसका मतलब वो चीज भगवान में नहीं है, मां का प्रेम भगवान में नहीं है क्या? उसमें वो भी होना चाहिए। तो भगवान वो है जो सब चीजों का आस्वादन कर रहा है। जब ये लीला शुरू होने से पहले सुखदेव गोस्वामी जो ये पूरी भागवत कर रहे हैं और परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कल मैंने बताया किस तरह ये भागवत शुरू हुई, तो कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी एक कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष मतलब जो बड़े बड़े ब्रह्मवादी ज्ञानी अपने आप को समझते हैं उसके ऊपर अपना एक कटाक्ष, मतलब क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म कि व्यंग कसते हैं। क्या? न च अंतरा, ये श्रीमद भागवत का श्लोक है जो वो बोल रहे हैं, न च अंतरा न बहिर्यशस। आहा, हम उसी की बात कर रहे हैं जिसका कोई अंदर नहीं, जिसका कोई बाहर नहीं। न च अंतरा न च बहिर्यशस, न पूर्वम न च अपि अपरम, जिसके आगे कोई नहीं और जिसके पीछे कोई नहीं, हम उसी की बात कर रहे हैं भाई। तो ये तो ब्रह्मवादी कहेंगे, अरे जिसका कोई आगे नहीं जिसका कोई पीछे नहीं वो मटकी कैसे तोड़ता है? हमने कहा हाँ, जिसका कोई आगे नहीं जिसका कोई पीछे नहीं उसी की बात कर रहे हैं हम। न च अंतरा न बहिर्यशस, जिसका बाहर कोई नहीं उसके अंदर ही सब कुछ है। और फिर क्या कहते हैं, न पूर्वम न च अपि अपरम, जिसके पहले कोई नहीं था और जिसके बाद भी कोई नहीं रहेगा। अब जब कृष्ण ने ये सब लीलाएं कर रहे थे उसमें कितना कुछ उन्होंने किया कि ये लग रहा था कि ये तो भगवान है। जैसे गोवर्धन धारण कर लिया, कई चीजें उन्होंने करी जो इतना ऐश्वर्य दिखाया ब्रज में कि ब्रजवासी तो ये समझने लगे कि भाई ये तो भगवान होगा। तो कई ऐसे बड़े बड़े संत भी आए, स्वयं शिव जी वहां पे आके डमरू बजा रहे हैं, महाराज ने बताया होगा जब वो पैदा हुए। अब बोलते हैं कि भाई क्या यशोदा मैया मान गई कि ये भगवान है? अभी हम यशोदा मैया की बात कर रहे हैं, तो क्या वो मान गई? तो ये श्लोक मैं आगे बोलता हूँ, ये दो श्लोक है जिसको जब हम समझेंगे तो हम जिस बात का प्रश्न का उत्तर महाराज देना चाहते हैं वो कहते हैं, न पूर्वम न च अपि अपरम न जगतो यो जगत च यः। अरे भाई, जिससे जगत निकला और जिसमें जगत समा जाएगा, हम उसी की बात कर रहे हैं।
तम मयात्म जन अव्यक्तम। अब क्या कह रहे हैं, तम मयात्म जम, मैया कह रही है नहीं। सब लोगों ने मैया को आके कहा, अरे भाई तेरा बेटा तो भगवान है, तो मैया क्या कह रही है, तम मयात्म जम नहीं, ये मेरी कोख से इसने जन्म लिया है, वो भक्ति नहीं है। तम मयात्म जम, मैंने पैदा किया है इसको, कौन कहता है ये भगवान है। तो मैया का इतना प्रेम, तम मयात्म जम अव्यक्तम मर्त्यालिंगम अदोक्षजा। और मैया हमेशा डरी रहती है कि कंस कोई और राक्षस भेजेगा मेरे बच्चे को कोई मार ना दे, तो वो हमेशा कोई ना कोई जादू टोना ऐसे बचा के रखती है बच्चे को कि नजर ना लग जाए। तो ये मैया का वो एक भाव है, लोग उसको कहते हैं भगवान है, कहती मैं इसको मैंने पैदा किया। तन मैं जम अव्यक्तम गोपी को उखलो दामना, उस गोपी ने, कौन सी गोपी, ये यशोदा ने उसको बांध दिया, गोपी गोपी को जगत उससे निकला, जगत उसके अंदर है तो उसको बांध दिया। अब महाराज ने ये प्रश्न पूछा कि ये दो उंगली छोटी बढ़ रही थी, मैंने कह दिया बांध दिया। अभी तो महाराज ने वहीं तक छोड़ा है कि दो उंगली छोटी हो रही है, पर मैंने कह दिया यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि गोपी को उखलो बांध, दामना बांध दिया। अब यहाँ पे हमारे टीकाकार बहुत सुंदर करेंगे तो खुद तो चेष्टा करनी पड़ेगी। तो पहला क्या था, हमारी चेष्टा,
कि कितना हमने भगवान की तरफ वो कदम उठाए जाने के भगवान देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। और दूसरा, जब प्रभु देखते हैं कि मेरे भक्त की सच्ची चेष्टा है तो वो क्या करते हैं, वो हमारे पे कृपा करते हैं। तो ये दो चीज जब मिल जाती है तो प्रभु के ऊपर वो उस लीला में हमारा भी प्रवेश शुरू हो जाएगा। तो ये दो उंगली जो छोटी होती है, पहले है भक्त की चेष्टा और दूसरी प्रभु की कृपा। तो कल का भी प्रश्न हमारा महाराज ने पूरी तरह से दे दिया है। महाराज इतनी लंबी लंबी कथाएं आज कर रहे हैं, हमसे फिर से पूछते हैं महाराज जी आपके हृदय में क्या है जो हमें बार बार बुला रहे हैं और लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, बताइए चाहते क्या। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के लाला की। प्रभु ने बहुत अच्छे से बात बताई, इसलिए इसमें देखो प्रभु से बहुत इसमें दो उदाहरण दिया है, एक बिल्ली कन्या है और एक बंदर कन्या है। कहते जो बिल्ली लेकिन बांध नहीं पाई, बोले किस चीज को हम बांध सकते हैं, बोले जो सीमा विशिष्ट है। लेकिन कृष्ण कौन है, बोले अनंत है, असीम है, जिसका बाहर भी नहीं जिसकी भीतर भी नहीं, पर उससे बांध सकती है। इसलिए सवेरे से शाम तक उसने लगाई चेष्टा, लेकिन उन्होंने बांध नहीं पाई। जब किसी तरह से बांध नहीं पाई, शरीर से पसीना पसीना रहा था, जब किसी तरह से बांध नहीं पाई, उसने मन मन में उनका जो गृह देवता जो नारायण थे उनकी चरण में शरणागति हो गई। बोले प्रभु सवेरे से शाम तक हो गया, मैं अभी तक इसको मैंने बांध नहीं पाए, गोपियां खड़ी होकर खिले उड़ा रही थी, इसकी ललाट में बंधन नहीं। जब उन्होंने प्रभु की चरण में शरणागत हो गई ना, फिर भगवान ने कृपा करके बंधन को स्वीकार की, स्वीकार की। इसे जो पहला अंग क्या है, साधन, जब साधन चेष्टा करता है। लेकिन दूसरा अंगुल किया, जब भगवान तब भी उस पर कृपा करते, ये एक अर्थ हो गया। इसके दूसरा अर्थ है कि बंदर न्याय और एक है बिल्ली न्याय। अब बिल्ली बंदर को देखे होंगे, बंदर को देखना, बंदर कभी भी अपना बच्चों को नहीं पकड़ती, पकड़ रखता है। अगर बीच में बच्चा अगर बंदर को छोड़ देना, बच्चा अगर मैया को छोड़ दे, बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ कर रखता है, कहते ये एक न्याय है। इसका मतलब जब साधव कोई चेष्टा करता है, हम तो भगवान को प्राप्त करके ही रहेंगे, अगर भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, कहते ये बंदर न्याय। दूसरा उदाहरण दिया मार्जा, मतलब बिल्ली। बिल्ली देखे है ना, देखना बिल्ली का जो बच्चा कुछ नहीं करता है, उसको माँ मुंह में पकड़ करके यहाँ से वहां वहां से वहां दिन में 10 बार करते रहेगा है, लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं करता है, जो कुछ करता है माँ। यहाँ पर मतलब है जब कोई साधक, प्रभु जो उदाहरण दिया, अरे प्रभु की इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, मैं क्या कर सकता हूँ, जब तक तो प्रभु की कृपा होगा नहीं होगा। कहते भैया ये दोनों ही काम नहीं करेंगे, ये बंदर का भी काम नहीं करेगा, ये बिल्ली का भी काम नहीं करेगा, फिर बल्कि को मिला फिर काम होगा। बोले कैसे, बोले हमें साधन करना ही पड़ेगा, क्योंकि साधन के बगैर भगवान कभी नहीं मिल सकते। जैसे मैया ने कोशिश की लेकिन प्रभु को बांध नहीं पाई, कब बांधी, जब उसने ठाकुर की चरण में शरणागत हो गई, फिर भगवान कृपा करके स्वीकार किया। इसका मतलब प्रभु हम तो साधन कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं होगा ना तब तक ये उसे नहीं सकते, लेकिन अब हमने खेलेंगे,
सखाने की कोशिश की लेकिन खोल नहीं सकी। बोले क्यों नहीं खोल सकी? बोले ये जो बंधन है ना, भगवान को थोड़ी कोई बांध सकते हैं, भगवान केवल प्रेम के द्वारा बंधे हुए। बोले कौन सा प्रेम? बोले वात्सल्य प्रेम। जो सख्य प्रेम है वो वात्सल्य प्रेम से एक नीचा प्रेम है, इसलिए सखाओं ने कोशिश की खोल नहीं सके। सामने देखा तो जमला जल विहार कर रहे थे। नारद जी उधर से जा रहे थे और नारद जी को देख करके ना इनकी जो अप्सरिया थी जल से निकले और कपड़े पहन करके पेड़ के आड़ में छुप गए। लेकिन ये जो दोनों थे ना बड़े क्रोध से देख रहे थे। बोले बाबा कोई नाम धाम नहीं, हम रंग में इधर क्या गया? नारद जी देखा हे भगवान, ये कहां स्वर्ग के कुबेर के संतान, इतने महान व्यक्ति का बच्चे फिर नंगे होकर के शराब पी करके जल बिहार, फिर कोई साधु आ जाए आप बार बार कर देखते ही। नारद जी ने उनका अभिशाप दिया, बोले जाओ जैसे तुम नंगे है ना, ये वृक्ष ऐसे नंगे रहते हैं, जब वृक्ष जल को प्राप्त करो सारे नशा उतर करके आ गया, वो पेड़ बनना शुरू हो गए, सारे नशा उतर गया। फिर नारद जी की चरण में क्षमा प्रार्थना मांगी, संत बड़े दयालु होते हैं, बोले जाओ तुम लोग गोकुल में वृक्ष जन्म होकर के रहो, कृष्ण जब आएंगे उनकी चरण स्पर्श से मुक्ति मिलेगी। अभी नारद जी की वाक्य को रक्षा करने के लिए प्रभु सखाओं को बोले एक काम करो, ये उखल को पीछे से धक्का मारो। धक्का मारे और कृष्ण धीरे धीरे गए और दोनों वृक्षों को तो बीच में जब चले गए, उखल अटक गया, कृष्ण थोड़ी सी ताकत लगाए ना, दोनों वृक्ष दोनों तरफ से धड़ाम करके दोनों वृक्ष इतने जोर से गिरे, ऐसे लग रहा था जैसे कि वज्रपात, वज्र कहीं गिरा। दोनों वृक्ष से नल कुबेर और मुनिगिरी सुंदर देवता रूप में निकले, बड़े सुंदर प्रभु का स्तुति की और परिक्रमा करते हुए चले गए। बोले कहाँ गए? बोले एक साथ में दो स्वरूप उनकी प्राप्त हुई, एक तो मधुकंठ सिद्ध कंठ बन करके गोलोक वृंदावन में सफेद शाम को प्रभु को गुणकीर्तन करते हैं, और एक स्वरूप में ये नल कुबेर मुनिगिरी होकर चले गए। इतने में जब दोनों वृक्ष गिरा ना, जितने ब्रजवासी सबके सब इकट्ठे हो गए, नंद बाबा दौड़ दौड़ करके आए, मैया यशोदा सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। नंद बाबा ने देखा कृष्ण बीच में फंसे पड़े हुए, अगर ये पेड़ थोड़ी सी इधर उधर होता ना बस कृष्ण खत्म हो जाता। नंद बाबा जल्दी जल्दी आए, रस्सी को खोल दिए, बच्चे का है तो स्वभाव, लेकिन मैया तो शासन कर रही थी, अभी तो वो खेल रहे थे, लेकिन जब बाबा थोड़ी आ गए खोल दिए, पकड़ से एक लड्डू निकाल करके दे दिया ना, बच्चों का है स्वभाव है, मैया मैया करते रहते हो, अभी रहोगे किसको पास में? बोले मैं तो अभी बाबा को पास रहूंगा, मैया को पास में नहीं जाऊंगा, मैया मेरे को मारती रहती है। कितने में मैया आ गई, नंद बाबा तो मैया बड़ी डांट लगा, बोले लगता है तेरे को दही और मटकी में बड़े आसक्ति है, अरे एक दो मटकी तो फोड़ा होगा और तो कुछ नहीं, इतना बड़ा दंड, अगर वृक्ष अगर कैसे कृष्ण बच गया नहीं तो कृष्ण ही खत्म हो जाता, तो ये मटकी और दही को लेकर रहा कर, मैं कृष्ण बलराम को लेकर तीर्थ जा रहा हूँ। नंद बाबा तो मैया को जोर से डांट लगाए, मैया तो रोने लग गई, मैया जसोदा, नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर ब्रह्मांड घाट में गए, दोनों को स्नान कराया, गैया से दूध निकालो ना एकदम गरीब गरीब होता है, उसमें मिश्री मिला करके दोनों बच्चों को उन्होंने खिला दिए, हाँ पिला दिए, और दोनों घर में लड़ाई हो गई। घर में नंद बाबा जब कृष्ण बलराम को लेकर के आए, मैया एक कोने में बैठ करके रो रही, नंद बाबा एक कोने में कृष्ण बलराम को गोद में लेकर बैठे हैं। अभी ब्रज में आज सारा दिन की सबेरे से लीला हो रही है, और सबेरे से ना मैया तो उसका रोसे नहीं बनाई, इसलिए ब्रज में कोई भी रसोई नहीं होना है। आज पूरा ब्रजवासी भूखे सबके साथ, क्योंकि रानी भोग प्रसाद खाई नहीं, प्रजा लोग कैसे खाएंगे? अभी झगड़ा जब हो जाए ना,
कहते बीच का व्यक्ति ये झड़ा को निवास करता है। बोले बीच में कौन है? बोले रोहिणी। हृदय प्रभु का मान। बोले ये झगड़ा तभी खत्म होगा अगर कृष्ण को किसी तरह से नंद बाबा की गोद से लेकर के मैया जसोदा की गोद में छोड़ दिया जाए ना, ये झगड़ा समाप्त हो जाएगा। इन्होंने श्री बलदेव प्रभु को बोले, बोले दाऊ एक काम कर, जाओ कृष्ण को नंद बाबा का गोद से उठा करके मैया की गोद में छोड़ दो। जब बलदेव प्रभु गए बोले कन्हैया कन्हैया चलो मैया के पास में चलो। जब उन्होंने ऐसे पकड़ा ना, कृष्ण तो बड़े क्रोध में थे, ऐसे के झटका मारे ना, वहीं पर तो बलदेव प्रभु गिर पड़े। मैया रोहिणिया आ गई, बोले कन्हैया मैया के पास में नहीं जाओगे? बोले नहीं, मैया मेरे को मारती है, मैं मैया के पास में नहीं जाऊंगा। बोले मैया के पास में नहीं जाओगे तो कृष्ण का के स्वभाव है क्या है? जब तक तो मैया की गोद में नहीं सोए ना, कृष्ण को नींद नहीं आती। वो सोया तो मैया की गोद में सोए करके नींद आएगी। बोले फिर किसकी गोद में सो गए? बोले बाबा की गोद में सो जाऊंगा। बोले दूध मिलेगा पिताजी को पास में तो दूध नहीं मिलेगी, दूध तो मैया को पास में मिलेगी, फिर दूध कहाँ से पियोगे? बोले पिताजी धारस न दूध में मिश्री मिला करके पिला देंगे। बोले खेलोगे किसको साथ में? बोले धाओ मैया को साथ में। बोले मैया के पास में नहीं जाओगे? बोले नहीं, मैया मेरे को मारती है, मैं तो बाबा के पास में रहा करूंगा। इतने में रोहिणी बोली, अगर मैया के पास में नहीं जाओगे, मैया अगर ऐसे हो गई तो मतलब अगर मैया मर जाएगी फिर क्या होगी? जब कृष्ण इतना सुना अगर मैया के पास में नहीं जाऊंगा तो मैया मर जाएगी, फिर तो कृष्ण को रहा नहीं गया। पिताजी की गोद से कृष्ण खड़े हो गए और मैया 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 करते करते सीधा मैया की गोद में लेट गए। और मैया तो कृष्ण को गोद में पाट करके फूट फूट करके मैया जसोदा रोने लग गई। और वहां पर जितने ब्रजवासी थे ना, ये कृष्ण लीला को देख करके जितने ब्रजवासी सबके सब रो पड़े। इसलिए श्री सत्यव्रत ऋषि कहते हैं, बोले इतिद्री की सो लीला भी
लोग हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे, ये पेड़ अभी अभी अपने आप गिरने लग गया, मतलब है ये गोकुल हमारे रहने का लायक नहीं रह गया। चलो हम और वृंदावन चले जाते हैं। अभी वृंदावन जाने के लिए तैयारी किए, सारे ब्रजवासी वृंदावन जा रहे हैं। एक गाड़ी में कृष्ण बलराम बैठे हुए, रोहिणी और जसोदा बैठी हुई। कृष्ण बलराम रास्ता में जो कुछ कर रोहिणी पूछे, बोले मैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें बड़े बड़े दाही, बोले ये बरगद का पेड़ है। बोले मैया ये कौन सा पेड़, सारे पत्ते हिल रहे, बोले ये पीपल पेड़ है। बोले मैया मैया देख कितने सुंदर चिड़िया, कितने सुंदर मीठी मीठी कितने कोयली बोल रहे, मैया ये कौन सा चिड़िया, बोले अला कोयल है। बोले मैया मैया देख देख कितने सुंदर चिड़िया है, बड़े रंग बिरंगे। बोले मैया ये कौन सा चिड़िया, बोले मोर। बोले मैया एक का पूछ और एक का पूछ नहीं, बोले मैया ये क्या है, बोले जिसका पूछ है ना ये पुरुष है, जिसका पूछ नहीं ये स्त्री। बोले मैया एक दूसरे को बिना पूछ वाली ये पूछ वाली बहुत होती है। और थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया देख देख कितने सुंदर जानवर चित्र विचित्र। बोले मैया ये कौन सा जानवर, बोले हिरण। बोले माँ एक का सींग दूसरा का सींग नहीं, बोले मैया ये क्या है, बोले जो सींग है ना ये पुरुष है, बोले सींग नहीं बोले ये स्त्री। बोले मैया एक दूसरे को क्या लगे, बोले जो बिना सींग वाली प्यार में खड़ा हुआ। राम ने कहा लक्ष्मण देखो ये बगुला किस एक प्यार में खड़ा हुआ जैसे कि ऋषि। लक्ष्मण बोले प्रभु आप ये मछली को कुछ ऐसा पता लगा, ये कितना बड़ा ऋषि, क्यों एक प्यार में क्यों खड़ा रहता है, मछली को पता नहीं चले बगुला पास में ना झट पकड़ लेता है, ये कपट है। इसलिए भगवान सर्वप्रथम बगुला मारे नहीं कभी एक कपट तक बोल के फिर भगवान ने अघास रूप बद्ध किया। है भगवान जब अघास रूप बद्ध किए इतने में ब्रह्मा प्रभु की लीला को नहीं समझ पाए, उन्होंने बछड़े सखाम को चोरी की। जब उसको पता चला कि स्वयं भगवान, फिर ब्रह्मा तो इतने नाक रगड़े प्रभु के चरण में। भगवान को 40 श्लोक में उन्होंने स्तुति की, हम एक श्लोक सुनेंगे। उसमें बहुत अच्छी बात बताते हैं, बोले भगवान का एक नाम है अजीत। अजीत मतलब है जिनको जितना बड़ा कठिन है लेकिन वो अजीत होते हुए भी आप उसको कैसे जीत सकते हो, उनको कैसे पा सकते हो। कि ब्रह्मा हमारे आदि गुरु एक श्लोक में कहते हैं
बोले ज्ञानी प्रयास मधुपास नमंत एव जीवंती सन्मुखरी तंग भवदीय वार्ता स्थाने स्थिताम श्रुति गताम तनुवांग मनोभी जे प्रायोस अजित जितोपी स्थल क्या प्राय करके जिनको पाना बड़ा कर देते क्या इसको पाया नहीं जाएगा हाँ कैसे पाएंगे बोले ज्ञानी प्रयास मधुपास जितने तुम्हारी अभिमान है सारे अभिमान को तुम त्याग दो तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान सारे ज्ञान को त्याग दे करके संतों के चरण में रह करके उनकी मुखार बिंद से कृष्ण कथा की मंदाकिनी की जो नदी बहती है अगर उसमें अगर कोई नित्य निरंतर काय मन वाक्य को अगर अगर कोई गोता लगा सके तो बस आप तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। मतलब जब तक संतों की कृपा नहीं हो तब तक जो भी कुछ कर लो बोले रघुगणे न तपस्या न जाति न जया तपस्या से नहीं मिलेगी पूजा पाठ से नहीं मिलेगी वेद पढ़ने से नहीं मिलेगी घर छोड़ने से नहीं मिलेगी मिलेगी कैसे बोले बिना महत पद रजो जब तक किसी महान संतों के चरण में शरणागत नहीं होगी प्रभु नहीं मिल सकते हैं। इसलिए दूसरे श्लोक में बताए बोले जीवन में जो कुछ आता है ध्यान देकर सुनो ये जो श्लोक है ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। जब प्रभुपाद के पास में हमारे जो गुरु जी थे उनके पास में जो भजन जो करता है उनमें बहुत सारी विपद जीवन में आ जाती है। कभी कभी भक्ति जगत में भजन करना कठिन हो जाता है कभी कभी बड़े बड़े विपद में उलझ जाते हैं सोचते हैं हमने कुछ किसकी नहीं किया जीवन में ये सब दुख कष्ट क्यों आता है किसने हमें कोई दुख दे दिया उसने दे दिया। देखो बहुत अच्छी श्लोक है क्या देखो कभी जीवन में जो कुछ आता है हैं जीवन में बोले तत्व अनुपम पास सुसुमित समाना भुजामि एवात्म कृतम विपाक जीवन में जो कुछ आए कभी दूसरों के ऊपर कभी दोष मत लगाया करो। क्या मत लगाया करो दोष मत लगाओ क्योंकि वो उदाहरण देते हैं कहते हमने जैसे बीज बोते हैं ना वृक्ष वैसे होगा अगर हम यहाँ पर केले का वृक्ष हो जाएगी अगर केले का बीज बीज बोगे क्या होगा नीम के वृक्ष हो जाएगी जैसे बीज बोया है वो उसी अनुरूप जीवन में ग्रो कर रहे हैं जब जब भी सामने दिखता है उसकी वजह से ये हो रहा है बोले उसकी वजह से नहीं हो रहा है तुमने जैसे कर्म की है वो कर्म तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं उसकी वजह से कुछ नहीं होता है। देखो आपको एक छोटी सी कहानी सचमुच सारी कथा सुनाता ये कल्याण में एक कथा निकली थी बोले एक समय दो व्यक्ति बिजनेस के लिए आए एक राजस्थान का और एक बंगाल से दिल्ली दोनों पैसा वाला सोचे अगर दोनों मिलकर बिजनेस बहुत बढ़िया होगा। जो राजस्थान वाला था सरल था उसने क्या क्या पैसा को जो सिलीगुड़ी में जो व्यक्ति था उसको दे दिया अपने दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे ये पैसा ऐसे भी वस्तु है ना बड़े बड़े व्यक्ति का बुद्धि भी ये खराब कर देता है। जब उसको हाथ में इतने पैसा आ गया उसने सोचा इसने तो देखा नहीं पैसा इसने दे दिया इसको किसी तरह से हम खत्म कर देता हूँ फिर सारे पैसे का मालिक मैं बन जाऊंगा। उसने एक पकौड़े वाला से बात किया बोले देख तेरे पास ना हम दोनों व्यक्ति आएंगे पकौड़े खाने के लिए मैं ऐसे नाटक करूंगा लगे तू मेरे बहुत बड़ा दोस्त है तू मेरे को तो अच्छा पकौड़ा खिलाना और मेरे जो दोस्त था ना उसको जहर मिलाकर खिलाना तेरे को 1,00,000 रुपया मिलेगा। अगर ये पकौड़े वालों को 1,00,000 रुपया मिले तो बहुत बड़ी बात है। बाद में आ गया आए और दोनों को पकौड़ा खिला दिया पकौड़ा खिलाया उसको पता जहर आया अभी रिएक्शन होगा उसको उसने ले लिया घर में। थोड़ी देर बाद में उसने रिएक्शन होना शुरू किया और उसको मर गया किसी तरह से उसको गायब को उसने कर दिया। जब गायब कर दी उस दिन बाद में उसको घर में एक सुंदर बेटा जन्म लिया और उसने बड़ा आलिशान मकान बनाया। लोगों ने सोचा शायद भी बिजनेस के लिए गया था शायद पैसा मिल गया बहुत ज्यादा इसलिए इतना सुंदर घर बना दिया है बड़ा सुंदर एक सुंदर बच्चा जन्म लिया। बच्चा जब बड़ा हुआ जब शादी हुई बच्चे की जिस दिन से बच्चा शादी हुई उसी दिन से उसमें बीमार हो गया एकदम शज्ञाशायी हो गया और उसको पीछे इतने पैसा पीछे चला गया लेकिन वो शज्ञा से किसी तरह से उठाई नहीं अभी मरने वाला सारे परिवार लोग ठीक मरने से पहले बच्चा खड़ा हो गया वो व्यक्ति बैठ अभी तक तो बैठ नहीं पाता था मरने से पहले अच्छे आदमी जैसे बैठ गया और सारे बात बोलने लग गया अच्छे तरह से कान खोल कर सुना कि देखो ये अमुक जो व्यक्ति हम दोनों बिजनेस करने के लिए आए थे मैंने सारे पैसे ये व्यक्ति को दिया
लेकिन उसने मेरे को जहर खिला करके से मार डाला और मेरे सारे पैसा भी हड़प लिया सारे पैसा। इसलिए मैं इसका प्रतिशोध लेने के लिए इसका बेटा बन करके आया और जितना पैसा उसने लिया था मैंने चक्रवर्ती ब्याज बताया ना चक्रवर्ती ब्याज समेत सारे पैसा इसका समाप्त कर दिया। मेरे बीमारी में सारे पैसा इसकी खत्म, केवल थोड़ी सी पैसा रह गई और मेरी अंतिम क्रिया करने के लिए इनको पूछ लो इसने मेरे को जहर पिलाया कि नहीं। वो आदमी चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था, बोले हाँ मैंने खिलाया था जहर। सब लोग वहां पर थे, प्रश्न किया बोले ये बताओ जब से ये बच्चा शादी हुआ तब से तुमने बीमार में पड़ा, अभी जो शादी हो गई जो बेटी लड़की आई तो विधवा हो गई तो ये विधवा क्यों होना पड़ा। कहते ही जानता हूँ ये कौन है मेरी पत्नी बन करके आई, जिसने कपड़ा में जहर बिना कर खिलाया था ना वही मेरी पत्नी बन करके आई, इसलिए अभी जिंदगी भर उसको वैधव होना पड़ेगा विधवा होना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा यहाँ कहते हैं तत्व अनुकंपा सुसुभ समान भूजन के बाद विपाक, बहुत बड़ी एक अच्छी बात बता रहे हैं। इसलिए जीवन में जो कुछ आता है ना कभी इसको पर दोष मत लगाया करो, अरे पाप की वजह से हो गया किसी ने मेरे लिए ऐसे कर दिया, नहीं कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, हमने जैसे जैसे कर्म किया है वो कर्म का फल हमें समृद्ध करना, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। बोले करो क्या, बोले भगवान की भजन कभी मत छोड़ा करो। देखो और एक चीज समझो, आप लोग पुण्य नष्ट करना चाहते हैं ना पाप नष्ट करना चाहते हो, बता कोई व्यक्ति पुण्य नष्ट करना चाहता है ना पाप नष्ट करना चाहते हैं? पाप, पुण्य को नष्ट करना नहीं चाहते। अच्छे तरह समझो, कहते पाप कब नष्ट होगा जब भोगा कर दे, पुण्य कब नष्ट होगा सुख दे करके, पाप कब नष्ट होगा दुख दे करके। इसका मतलब है जीवन में अगर कोई दुख आ रहा है ये समझो हमारी पाप नष्ट हो रहा है, हमारी पाप नष्ट हो रहा है ब्रह्मा जी कहते हैं। इसलिए क्या करो जीवन में जो कुछ आता भोग करते जाओ, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं लेकिन भजन कभी मत छोड़ो। दुनिया छूट जाए एक दिन, दुनिया तो छूटेगा तुमसे, लेकिन सारा दुनिया छूट जाए लेकिन भगवान की भजन कभी नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान की भक्ति कंटिन्यू करते रहे। देखो और एक दो चीज में उदाहरण देकर समझाता हूँ, आप लोग समझ लो। कोई कोई व्यक्ति भक्ति करते हैं कहते हम इतने भक्ति करते हैं किसका बुराई नहीं करते हैं फिर जीवन में सुख कष्ट की मात्रा है। अच्छी तरह समझो, आप लोग देखे होंगे जो लोग गेहूं का खेती करते हैं ना एक ड्रम रखते हैं और उसका नीचे एक होल होता है, ड्रम में जो गेहूं होता है ना ड्रम के ऊपर कौन सा गेहूं पहले निकलेगा बड़ा निकलेगा ना छोटे निकलेगा छोटा निकलेगा। हाँ यही चीज को समझो, जैसे अभी भजन कर रहे हैं भजन का फल मिलेगा कहीं आएगा नहीं, इसका फल तो बढ़िया है लेकिन पहले तुमने जो छोटे जो दाना डाले हो वो खत्म हो जाए फिर तो बड़ा दाना निकलेगा, बड़ा दाना आएगा जाएगा नहीं कहीं, लेकिन पहले छोटे दाना तो खत्म हो जाए तब तो बड़ा दाना आएगा है। हाँ ये चीज को समझो। और एक चीज समझ लो, मतलब दो भाई थे, दोनों एक भैया तो खूब भजन करता और एक भैया एकदम नास्तिक है, अब जो नास्तिक जो भजन करता था उसको खिली उड़ा था, बोले क्या दिन भर ये माला लेकर हरे कृष्ण कर रहे हो, ये मूर्ति को सामने बैठो कोई काम धाम नहीं बेकार अपना समय को बर्बाद कर रहे हो हैं। लेकिन जो भजन करता उसको तो पता है भैया भजन में कितने मस्ती है कितने आनंद है। एक दिन दोनों भाई निमंत्रण में जा रहे थे, जाते जाते जो भाई भजन नहीं करता था हाँ उसको एक सोने की मोहर मिली, उसने जो भजन करता बोले देख तू इतने भजन करते तेरे को मिला क्या मेरे को सोने की मोहर मिल गया। भैया बात तो सही है, जब थोड़ी दूर गए ना जो भजन करता था उसको प्यार में सीख कर गई पास खून बहने लग गया, और जो भजन नहीं करता था ना बोले देख लिया तुमने देख लिया इतने भजन करते हो भक्ति करते हो तेरे को मिला क्या मेरे को क्या मिला देखा प्रत्येक तुमने देख लिया तो दुखी दुखी हो गया भगवान को पुकार बोले प्रभु आप इतने में भजन करता दिन भर तेरे नाम लेता तो सबके सामने इसे बदनाम करता हो
तिलक वाटिका था, लेकिन वो मेरे मेरे भक्तों को निंदा करता है, इसलिए सारे पुण्य मैंने समाप्त कर दिया, केवल एक सोने की मोह के तरह छोड़ दिया। तेरी बात सुन ली, पहले जिन्होंने तुमने मर्डर किया था, आज का दिन तेरे को राज दरबार में फांसी झूलने का था, लेकिन चूंकि तुझे मेरे भजन करते हो, मेरे नाम लेते हो, भक्ति करते हो, इसलिए मैंने तेरे सारे पाप को खत्म कर दी, केवल प्यार में सीख बनाकर तेरे को छोड़ दी। ये मत समझो भजन करने वाले को दुख मिलता है, नहीं, अगर कहीं दुख मिले तो ये समझना ठाकुर जी मेरे ऊपर में बहुत बड़ी कोई विपत्ति आने का था, चूंकि हम भगवान की नाम लेते हैं, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, ठाकुर जी केवल मेरे को थोड़ी सी दुख देकर खत्म कर दे, ये समझनी चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं, लेकिन भजन तुम दीजिए, दुनिया छूट जाए दिन छूटेगा, लेकिन प्रभु का हरि नाम भजन कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि उदाहरण देते हैं जैसे पिताजी की अथाह संपत्ति है, लेकिन अथाह संपत्ति का मालिक बेटा बेटे को तो मिलेगा, लेकिन बेटे को मिलेगा कब, जब जिंदा रहेगा तब तो मिलेगा, अगर बेटा मर गया तो उसको मिलेगा कहां से। मतलब भगवान रस वैसा, भगवान रस स्वरूप आनंद स्वरूप है, आनंद मिलेगा तब, जब कंटिन्यू भक्ति में रहोगे तब तो मिलेगा, अगर तुमने भक्ति छोड़ दिया बट पर कहां से पाओगे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भजन कभी नहीं छोड़ना, कंटिन्यू प्रभु की भजन में लगे रहो। हैं ब्रह्मा जी जब भगवान को स्तुति कर रहे थे बड़े बड़े श्लोकों से, लेकिन भगवान खुश नहीं हो रहे थे। ब्रह्मा जी देखा, इतने अच्छे से मैं बात बता रहा हूँ, प्रभु भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ, ब्रह्मा जी ब्रजवासियों को स्तुति की, बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजोपसम जन्मित परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले हे प्रभु, ये ब्रजवासियों की महिमा हम क्या बताएंगे, तुम तो पूर्ण ब्रह्म सनातन हो, लेकिन बदल जो भी सखा का सखा बनी गई, उनका झुटन खाए घोड़ा बने हो, भगवान होकर मैया की खल में बन गए, भगवान होकर गोपियों की देख भीख मांगते हो, ये ब्रजवासी ने कितने पुण्य किया, इतने जो बोले ना भगवान को मुस्कुरा दी। फिर तो ब्रह्मा को पता चला भगवान का कमजोर कहाँ पर है, भगवान की कमजोर कहाँ पर है, कहाँ पर कमजोर है। भगवान ने सिखा देते हैं, मेरी सेवा मेरी भक्ति से जितने तुम्हें मैं प्रसन्न होऊंगा ना, अगर मेरे भक्तों की सेवा मेरे भक्तों की स्तुति करोगे उससे मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। फिर ब्रह्मा जी भगवान की तीन बार परिक्रमा करके वहीं से ब्रह्मा जी चले गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बोले भगवान अपि तारात्रि सर किया। हम लोग क्या करते हैं तो जिसको जिसको भगवान बोलते ना बस पीछे भागने लग जाते हैं, अमुक भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान। लेकिन भगवान का जो डेफिनेशन जो शास्त्र में बताया, जिसको अंदर में परिपूर्ण रूप में छह गुण होने चाहिए तभी भगवान हमें कहेंगे। बोले समग्र ऐश्वर्य जैसे सारी जो ऐश्वर्य का मालिक हो, केवल भारत का नहीं पृथ्वी की नहीं अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो सारे पैसा के मालिक हो, जो लक्ष्मीपति हो, समग्र ऐश्वर्य जैसे जस, जिसका जस केवल भारत नहीं पृथ्वी नहीं विश्व ब्रह्मांड में जिसकी जस जाए। बोले श्री श्री मतलब सुंदरता, पृथ्वी में सबसे जो सुंदर हो, जिससे बड़े सुंदर छह गुण परिपूर्ण रूप में भगवान ने, इसलिए यहाँ पर रास रचया कौन है, स्वयं विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। कभी गोपियां कौन है, कभी तो कोई लड़की नहीं है, गोपियां जो रास रचाई पर गोपी नहीं, ये कोई लड़की नहीं है। हाँ, ये पूर्व जन्म में ये दंडकारण्य में जो ऋषि लोगों जो भजन कर रहे थे, श्रुति का जो मंत्र उपासना कर रहे थे, जनकपुरी के जो हाँ सीता जी की सहेलियां थी, जो राम को पति रूप में प्रार्थना की, बोले नहीं किसी अवतार में नहीं, सब कृष्णा अवतार में आओ, सबके सब ये गोपी बन करके आए हैं।
इसलिए साधारण लोग का जो मन में धारणा है, अरे भगवान क्या सब गोपियों को लड़की को लेकर के भगवान क्या नाचे कूदे, इसे कैसे बेकार बात है। हमारे भागवत का जो सबसे पहले टीकाकार हुए और ये श्रीधर स्वामी जी बहुत बड़े संत हैं, सबसे पहले टीकाकार वो कहते हैं ये जो रास लीला है ना, कहती है काम विजय लीला, ये काम मुग्ध ने काम गोबर पे कृष्ण विजय किए। एक समय कामदेव का नाम सुने हो, सारा दुनिया को पागल बना के रखते हम लोगों को है, इस सबको हम पागल बना के रखे। पागल बना मतलब ये शरीर किसी से बनी है, काटी पैसा खून पीक से बना हुआ और कुछ नहीं, इसका पेट फाड़ कर लेता तो भग जाए यहाँ से। लेकिन आश्चर्य का चीज ये कामदेव ने ये इसी शरीर में सब, ये मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चा, किसी शरीर में ये गंदे शरीर में आसक्ति बना के रखा। अगर ये नहीं होता ना दुनिया में कोई किसका आसक्ति नहीं होते, सब सारे आसक्ति को छोड़ देते, इन्हें नहीं हमको पागल बना के रखे। इसलिए इनका नाम कामदेव है, दुनिया को जो काम को द्वारा पागल बना कर दे रखे। एक दिन ये कामदेव का अभिमान हो गया, मैंने विश्व ब्रह्मांड को जीत लिया, कैसे ब्रह्मा जी इनको भी मैंने परास्त कर दी, ये भी काम में पागल हो गए। उन्होंने एक बेटी को जन्म दी, उनकी बेटी इतनी सुंदर थी, वो अपना बेटी हो गए ब्रह्मा उसके पीछे भागे, छिपा छुड़ाए। शंकर जी जब उन्होंने महिम रूप को दर्शन दिया, पार्वती को फेंक दिए और महिम को पीछे भागे थे शंकर जी, इनको भी मैंने देख लिया। जैसे विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे पर्वत गोबर में, वहां जब मेनका प्रकट हो गई, मेनका को रूप में इतना आसक्ति हो गए, उन्होंने पहाड़ पहाड़ छोड़कर घर गृह बैठ दिया। इंद्र का भी मैंने छक्का छुड़ा दी, क्योंकि ये अहल्या के ऊपर भी आसक्त हो गया था, बड़े दुर्गत इसको भी भोगना पड़ा। अरे नारद जी बहुत बड़े साधु भक्त थे, ये माँ लक्ष्मी को ऊपर की आसक्ति हो गई। इसलिए काम के वो किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं, सारा दुनिया को पागल बनाया, बल्कि बोले एक व्यक्ति बाकी रह गया कृष्ण, अगर इसको परास्त कर देना दुनिया का मालिक मैं बन जाऊंगा। एक दिन कामदेव भगवान कृष्ण के पास में गए, बोले प्रभु जी आ जाओ मेरे साथ में, दो हाथ कर लो, सबको मैंने परास्त किया केवल आप बाकी रह गए, आपके साथ में दो हाथ हो जाए ना दुनिया का मालिक मैं बन जाऊंगा। भगवान ने बोले कोई चिंता मत करो, मैं जब द्वापर युग में कृष्ण बनकर के आऊंगा, जब सतगर्ण गोपियों को साथ में मैं रास रचाऊंगा तभी तक मैं आह्वान करूंगा। काम तब हंसते हंसते चले गए, गोपियों को साथ में जो लीला करेगा राधा रानी को साथ में, आपको पता है गोपियां कितनी सुंदर थी, एक उदाहरण दिया, कहती है पृथ्वी में जितनी स्त्रियां हैं इनकी सारे सुंदरता को एकत्रित कर लो, जो सुंदरता होगा ना वो स्वर्ग में एक गंधर्व इतनी सुंदर है, स्वर्ग में एक गंधर्व इतनी सुंदर है कि पृथ्वी के सारे स्त्री की सुंदरता एकत्रित करने पर एक गंधर्व भी होती है। ये गंधर्वियों को जितने स्वर्ग में रंभा और बस मेनका ये जितनी सुंदरी है, इनकी सुंदरता को अगर एकत्रित करोगे, ये सारे एकत्रता करने पर एक लक्ष्मी को साथ में सुंदरता होगी, तभी इनकी बराबर नहीं कर सकते हो। कभी ये सारे लक्ष्मी जितने ही कभी इनकी सुंदरता पर एकत्रित कर लोगे, ये सारे मिल करके जो कृष्ण की जो महिषियां होती है ना, जो उनके द्वारका में जो रुक्मिणी सत्यभामा, कभी इनकी सुंदरता मिल करके महिषियों के साथ में बराबर होती है। कभी जितने महिषियां हैं इनकी सुंदरता 16108 महिषी इनकी सुंदरता को एकत्रित करोगे तो जा करके कहीं एक गोपी की सुंदरता के साथ में बराबर होती है, और जितने सारे गोपियों की सुंदरता को बराबर करोगे कहते राधा रानी के चरण की नख की जो छटा है उसमें इतने इतने उज्जवल है, राधा रानी के चंद्र की नख की चरण में कहते इनकी सारी सुंदरता समा जाएगी, राधा रानी इतनी सुंदर है। राधा रानी की है। इसलिए कामदेव का हंसते हंसते चले गए। अभी कृष्ण सतकर्ण गोपियों को अपने बंसी से बुलाए और भगवान रास कर रहे हैं, एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी और एक कृष्ण रास कर रहे हैं। इसी समय में भगवान श्री कामदेव को बुलाए, बोले कामदेव आ जाओ हमारे साथ में युद्ध करने के लिए। कामदेव तो हंसते हंसते बोले युद्ध कर ले, कितने सुंदर डाल जहां पर बेली चमेली जुई, जहां पर सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे, इतने मरणव स्थान एकांत और एक एक गोपी कितने सुंदरी, तो युद्ध क्या करोगे ऑलरेडी तो तुम फेल हो। कृष्ण ने कहा देखो युद्ध बाघ युद्ध नहीं करते,
अस्त्र से युद्ध करते हैं, निकाल तेरे पास में कितना अस्त्र है। बोले काम दिल का जो बाण है ना उसको धनुष को बोला पुष्पक धनुष, और फूल से बना हुआ है। कहते उसको पास में पांच बाण है, सन्मोहन उठाचरण स्तंभन। कहते वो एक एक बाण में इतनी शक्ति है, शंकर ब्रह्मा के ऊपर केवल एक बाण प्रहार किया उनको पागल पागल बना दिया। कामदेव ने सोचा कि कृष्ण लगता है कि थोड़ा ज्यादा बलवान है। उन्होंने एक साथ में पांच पांच धनुष को चढ़ाया और काम किया। कृष्ण की सारे जितने गोपियां थी ना, कृष्ण एक साथ में सबको त्याग दी और केवल सिर्फ राधा रानी को लेकर चले गए। कामदेव तो अक्के बक्के छक्के हो गए, बोलिया वाणी काम नहीं किया, मैं तो सोच रहा था कृष्ण पागल हो जाएगा काम में। बोले और तेरे पास में बाण है, बोले एक मौका है क्योंकि जो सबसे सुंदर राधा रानी आपके पास है। फिर काम देव ने फिर उनके ऊपर चोट प्रहार किया। कृष्ण लास्ट में श्री राधा रानी को भी त्याग देकर के जो इमली कला है ना, ये जो मठ है ना, ये जो मठ है, ये मठ इमली कला की मठ है। भगवान कृष्ण सबको छोड़ करके इमली कला में भगवान चले गए। हाँ, जब इमेल कला में चले गए इतने में बोले और तेरे पास में बाण है, बोले प्रभु सारे खत्म हो गए और मेरे पास में कोई बाण नहीं, अभी मेरे चोट को तुम संभालो। कंदर पर रूप जो भगवान की सुंदरता है उन्होंने प्रकाशित किया, उनकी मीठी मीठी हंसी नहीं, कहते ये जादू है इनकी, इनकी जो सुंदर रूप है। तो उन्होंने काम देव को बची, कहते भगवान का जी देखो ये गुरु प्रहार किया। काम देव तो वहीं पर बेहोश हो गया और भगवान का चरण में तो लोग उठने लग गए। बोले हे प्रभु आप कृपा करके मेरे चरण की चेली बना दो, अपना चरण में की सेविका बना दो। इसलिए भगवान की परास प्रभु ने की, इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये काम भगवान काम से मुग्ध नहीं हुए बल्कि उन्होंने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया है रास लीला को। बोले श्री रास रचया भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवत में तो जिसका कोई शेष नहीं, अगर सबरे चार घटा चार घटा ना नहीं सुन पाए, ये ऐसे की कथा है जिसको सुनने से आपको सात दिन कथा की फल मिल जाए। देव गोस्वामी समाप्त कर दिए, उनकी माँ प्रश्न करती, बोले बेटा ये सुखदेव गोस्वामी साथ अभी तक लोग कितना तीन घंटा बैठे ना, उस समय जब कथा भी कही तो कथा क्या थी हो, तो दिन रात मिला करके कोई सोए नहीं दिन रहा, ये सात दिन तक कंटिन्यू पूरा ये भागवत कथा चलते रहे जिसमें 8000 श्लोक है। हम जैसे तीन घंटा वैसे एक नहीं, वो पूरा दिन रात मिला करके 26 घंटा 7 दिन तक कथा सुनते रहे। बोले इन्होंने पता नहीं 7 दिन तक क्या कथा सुनाए, मैं स्त्री जाती हूँ, मेरे पहले तो मुझे पढ़ाई नहीं, बेटा मेरे लायक थोड़ी बहुत कुछ बात बता दे, कम से कम मुझे पता चल जाए कि भागवत का सार क्या है। अरे श्री परिकृत महाराज ने थोड़ी सी अंदर में थोड़ी सी समय में उन्हें एक छोटी सी कथा सुनाया जिसका नाम है श्री बृहत भागवत का। वो गंतव्य पाठ करो वो भी इतना बड़ा है, कभी 7 दिन लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको थोड़ी सी समय में सारा तो सुना देंगे। ठीक है, इतना अगर सुन लोगे ना पूरा भागवत का सारा तो पता चल जाएगा। ठीक है,
जो भगवान में लगा दे, ये नारद है, ये बड़े कौतुकी है। इनको पता है कृष्ण का सबसे प्यारे भक्त कौन है, तब भी वो हमारे सामने प्रमाणित करने के लिए होना, उसका हृदय कितना बड़ा होता है। लेकिन जगत में देखना साधारण लोग, जैसे पर दो तीन बच्चे, अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी कम कोई धन दौलत दे दिया, किसी बच्चे को थोड़ा ज्यादा दे दिया, देखना जिसको कम दिया ना जिंदगी भर गाली बकते रहेगा बूढ़े को, बल ये बूढ़ा मेरे को कम दे, जिन जब तक जिंदा रहेगा उसको गाली निकालते रहेगा। लेकिन अगर भक्त हो ना, हृदय इनकी इतने महान हृदय होता है, बोले और उसने भगवान से क्या मांगा, बोले प्रभु कि जगत में जितने जीव है इनका सारे पाप मेरे को दे दो, मैं कर्मस काल के लिए नरक जाऊं, लेकिन आप सब जीवों को उद्धार कर दो। भगवान का तेरे को पाप लेने का जरूरत नहीं, तेरी इच्छा है ना एक ब्रह्मांड उद्धार हो जाए, मेरा अनंत ब्रह्मांड है, तेरी इच्छा से एक ब्रह्मांड उद्धार कर दूंगा। उनके हृदय कितने महान है, बोले तेरे जैसे जगत में ऐसे भगत कोई नहीं प्रभा। इसलिए लेकिन भक्ति का एक स्वभाव है, जैसे वृक्ष में ज्यादा फल आ जाए ना, वो वृक्ष अपने आप उछूंगी जाती नहीं, भक्ति का ये एक स्वभाव है, जिसके अंदर जितने प्रेम भगवान की भक्ति आएगी ना, वो उतना झूम जाएगी। बोले मेरे को भगत कह रहे हो, मेरे अंदर में भक्ति का भगत भी नहीं, भक्ति मतलब होता है सेवा करना। मैंने कहा प्रभु की सेवा की, प्रभु प्रकट हुए, मेरे को गोद में बैठाया, अपना लाड़ दिया, फिर प्रभु चले गए, मैं प्रभु की सेवा नहीं कर पाए। हाँ, अब जाओ अम्बरीश महाराज के पास में देखो, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर वो राज्य तो कर रहे हैं, सारे चक्रवर्ती राजा, लेकिन कोई अभिमान नहीं, अपना पत्नी परिवार को साथ में
छब्बीस घंटा में छब्बीस घंटा भले सबई मन कृष्ण पदार बिंद मन को प्रभु के चरण में लगा कर रखे और कानों से भगवान की कथा सुनकर ही दोनों हाथों से ठाकुर का सेवा करते ही पूरा पत्नी को सबको लेकर के भगवान की भजन कर रहे। इसे जाओ श्री अम्बरीश महाराज के पास में जाओ। बास नारद जी बिना बजाते बजाते अम्बरीश महाराज के पास में पहुंचे। भले श्री अम्बरीश महाराज की जय। भले महाराज आप जैसे दुनिया में कोई भक्त नहीं, ये दुनिया देखना चला थोड़ा पैसा हो जाएगा ना, भले एक मंदिर स्थापन कर देंगे बना लिए लेकिन नौकर रख देंगे अपने हाथों से नहीं करेंगे। लेकिन वो चक्रवर्ती राजा थे लेकिन पूरा परिवार उनके साथ में ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे और स्वयं दुर्वासा जी उनको मारने के लिए आए, कृत्या निकल किया लेकिन लास्ट में स्वयं दुर्वासा इनके चरण में इनकी माफी मांगना पड़ा। लास्ट में बोले आप भगवान के सबसे प्यारे भक्त हो। अम्बरीश महाराज ने कहा मेरे को भक्त कह रहे हो, मेरे अंदर में भक्ति का भाव ही नहीं, भक्त देखना है ना, जाओ श्री हनुमान जी के पास में जाओ, साक्षात प्रभु राम की जो सेवा करते हैं। वास नारद जी आकाश में बिना बजाते बजाते आकाश में उड़ चले और जाए गए श्री हनुमत लाल के पास में पहुंचे। देखा हनुमान जी को आंखों से आंसू बहाते हुए, उनकी रोम रोम से भगवान के नाम निकल रहा था। बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन बोले आप देखना चाहते हो क्या दिखाओगे। हनुमान ने छाती को फाड़ दिए और सचमुच से देखा उनका हृदय में सीताराम, उसके हृदय में मैया सीता मान ली हैं। बोले एक दिन मैया सीता श्रृंगार कर रही थी, हनुमान तो सीता जी को अपना माँ समझती है हैं। इतने में हनुमान जी प्रवेश कर गए, देखा मैया सीता श्रृंगार कर रहे थे, यहाँ पर सिंदूर का बिल यहाँ मांग भरी। बोले मैया मैया ये क्या है? बोले बेटा ये सुहाग का चिन्ह है। बोले ये क्या होता है? बोले पत्नियाँ पति की चिरायु, पति की दीर्घायु, पति की जस और मंगल के लिए ये स्त्रियाँ इस चीज को धारण करती हैं। इतना सुनकर वो निकल गए। जब मैया निकल गई ना, अंदर में हनुमान गए, जितना सिंदूर था उठाया, सारा शरीर को पोत दिया सारा शरीर में, और राम दरबार लगा हुआ था और हनुमान जी तो बीच में पहुंच गए और ये सिंदूर को देख कर ना जितने लोग थे हाँ हाँ करते करते जोर जोर से हंसने लगे। बोले तो बंदर को ये क्या किया? प्रभु राम को तो सब बात बता। प्रभु राम ने पूछा हनुमान जी तुमने कैसे क्यों की? बोले प्रभु मैंने मैया सीता को पूछा आप क्या कर रहे हो? बोले मांग कर रहे हो, अगर मैया एक बूंद और एक रेखा अगर काटने पर इतने पति की इतने जस और इतने परमायु होगा, मैंने देखा मेरे पति तो आप ही ना, मेरे प्रभु तो आप ही हो ना, इसलिए मैंने देखा अगर पूरा शरीर में सिंदूर में पोत दूं ना, मेरे प्रभु राम का जो नाम विश्व ब्रह्मांड में गूंजेगा वो चिरायु होगा, सारा दुनिया में इनकी महिमा होता रहेगा, इसलिए मैंने लगा दिया। प्रभु राम इतने प्रसन्न इतने खुश हो गए हनुमान जी को, ऐसे श्री हनुमान जी। एक समय
राम लक्ष्मण सीता ये प्रभु राम की जो सेवा करते थे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता और हनुमान जी। लेकिन ये हनुमान जी तीन रात प्रभु को सेवा करते रहते थे लेकिन और किसको मौका नहीं मिलता। एक दिन ये चारों ने मीटिंग की बोले ये बंदर प्रभु का सारे सेवा कर लेता है, एक काम करो माता जी सीता अब अंदर की सारी सेवा कर लो, हम जो तीन भैया है ना बाहर का सेवा कर देंगे। अभी हनुमान को निकाल लो, हनुमान इधर आ, बोले क्या बोले तो बोले कहाँ बोले अकेला तो सारी सेवा करते हो हमें कोई सेवा के मौका नहीं देते, इसलिए निकलो अंदर की सेवा माँ करेगी हम तीनों भैया बाहर की सेवा करेंगे। हनुमान जी ने कहा देखो मैं तो प्रभु सेवा के बगैर रह ही नहीं सकता हूँ, मेरे को छोटी मोटी कोई एक सेवा दे दो जिसको आश्रय करके रहूंगा। उन लोगों ने देखा ऐसे सेवा दो जो प्रभु की कोई जरूरत नहीं हो। बोले कौन सा सेवा, बोले प्रभु जब जलभाई लेगा ना चुटकी बजा, प्रभु कभी जलभाई देते ही नहीं कभी, इसलिए चुटकी बजाते रहना। हनुमान को बाहर निकाल दिया, बांस बाहर बैठ करके बांस चुटकी बजाना शुरू कर दिया। और भगवान तो भक्तवत्सल है, जितना चुटकी बजा रहे इतना प्रभु को उतने जलभाई उतने जलभाई जलभाई बंद नहीं हो, किस तरह से सभी का सेवा बंद और जलभाई बांध हो तो कोई सेवा कर रहे जलभाई जलभाई। वैद्य को बुलाया, वैद्य ने देखा कोई बीमारी नहीं, बोले हनुमान जी का बोले उनको बाहर निकाल दिया, बोले क्या कर रहे हैं, बोले बोले तुमको सेवा वही है प्रभु को जब जम्भाई आएगा चुटकी बोलो कर रहा है, बोले चुटकी बजा रहे बोले इसलिए तो प्रभु को जम्भाई आ रही, वो सारे सेवा हनुमान को दे दो। अरे उन्होंने हनुमान को सारे सेवा उन्होंने वापस दे दिया। इसलिए हनुमान जी कहीं अगर प्रभु को जाना हो विमान की जरूरत नहीं, प्रभु को कंधे में बैठा कर ले चलते हैं, कहीं बैठे हुए उनका सर को छत्र छत्र रूप में पूछ को छत्र रूप में धारण करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना बोले दुनिया चले ना श्री राम जी चले। सबसे बड़े भक्त क्यों, दुनिया जिनकी सेवा करता है वो उल्टा तुम्हारी सेवा करती है। महाभारत युद्ध में सारथी रूप में किसने किया, कृष्ण स्वयं सारथी का काम किया। सारथी कितने छोटा काम है, भगवान सारथी का काम किया। जिस समय राष्ट्र यज्ञ हो रहा था सारे बड़े बड़े सेवा छांट लिया, लेकिन तो दो सेवा की बात आए ना, उनकी सब सबका चरण कौन धोएगा, जूती कौन संभालेगा और झूठे पतल को कौन उठाएगा, तो सेवा कौन की, स्वयं कृष्ण ये सेवा करते हैं, हैं? इसलिए कहीं अगर दूध बन करके जाना कौन करता है, कृष्ण स्वयं दूध बन करके जाते हैं उनकी। अरे प्रभु यहाँ पर तो दुनिया जिनकी सेवा करते हैं वो आपकी सेवा करते हैं, इसलिए सबसे बड़े भक्त आप। जो बोले ना अरे भैया हमारा अंदर भक्ति का भय नहीं, हाँ भक्त देखो ना जाओ आटे मोल पास में जाओ, तुम उद्धव जी को पास में जाओ, कृष्ण को साथ में खेलते खेलते इतने तन्मय हो जाते थे, मैया खाने के लिए बुलाने पर भी वो नहीं जाया करते थे। इसलिए ये जो उद्धव है, कृष्ण खुद कहते हैं उद्धव तू मेरे जितने प्रिय मेरे बेटा भी नहीं, हरिहर शंकर भी नहीं, मेरे दाऊ भैया भी नहीं, मेरे पत्नी भी नहीं, मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं, तू मेरे जितने प्रिय हो। इसलिए उद्धव जी को पास में जाओ, पास नारद जी उद्धव को पास में पहुंच गए। जब श्री उद्धव जी को पास में पहुंचे ना, बोले उद्धव तुम्हारी जैसे भगवान का कोई प्रिय भक्त है नहीं, तो भगवान की सबसे प्रिय भक्त तुम हो। जो बोले ना, उद्धव जी ने कहा देखो पहले मैं यही सोचता था भगवान का साथ सबसे प्रिय भक्त मैं, मेरे जैसे साथ कोई भगवान का प्रिय नहीं, लेकिन ये मेरे सारे अहंकार खत्म हो गया है, माइक वाले इसका थोड़ा तेज कर देता, इसलिए मैं पहले ही बात सोचता था लेकिन मेरे सारे अभिमान चकना शुरू हो गया। बोले कब, बोले कृष्ण मेरे को जब ब्रज में भेजे, जाओ ब्रजवासियों का सांत्वना देकर के आओ। पहले मैं सोचता था अरे सब ग्वाल ग्वालिनिया सब कंटा बिनने वाले दधी मथन करने वाले कोई भक्ति जानते, इनको तो मैं चुटकी बजाते हुए इनको मैं समझा दूंगा, मैं तो बड़ा अभिमान लेकर गया था। लेकिन जब नंद बाबा की प्रेम देखा, ब्रजवासियों को प्रेम देखा, फिर जब गोपियों को मैंने प्रेम देखा, फिर जब राधा रानी को हमने प्रेम देखा, कैसे राधा रानी को एक सुंदर कमल पुष्प की सज्जा के ऊपर लेटा कर रखे, शरीर में अंगूर भरपूर चंदन की लेप किया, लेकिन राधा रानी कृष्ण विरह में ऐसे तड़पड़ाती रही, उनके मिनट में सब कुछ चूर चूर हो जाता था। कृष्ण स्वयं एक भ्रमर बन करके आए और राधा जी की चरणों के ऊपर बैठने के लिए चाहा, और राधा रानी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी वचन बोल रही थी, कृष्ण को ऐसे उलाहना दे रही थी, क्या राधा रानी कृष्ण को बोल रही थी। जब मैंने राधा जी की प्रेम मैंने कृष्ण को देखा ना,
उठा सुठा है गयो सुनी गोपियों की बोल ज्ञान बजाए डुगडुगी और बाजे प्रेम की बोल है। इसलिए मैंने ज्ञान की हाँ टोकरी में लेके रखी, इसलिए ब्रज में के स्थान है ज्ञान गुदड़ी, जहां पर ज्ञान को टुकड़े टुकड़े करके गंगा में जमुना में जिनको बहा दिए, मेरे जितने अभिमान था ना सारे अभिमान मेरा चकनाचूर हो गया। फिर उद्धव जी पांच श्लोकों के द्वारा उन्होंने श्री गोपियों की और राधा रानी की उन्होंने वंदना की। बोले अगर पृथ्वी में किसकी जीवन धारण करना सार्थकता है, बोले ये ब्रज गोपियों की, क्योंकि कृष्ण के प्रति इनका जो प्रेम है, जो प्रेम के लिए मैं स्वयं ब्रह्मा शंकर भी जिनकी चरण की धूल बनने के लिए वंदना करते हैं। लास्ट में बोले आशा महो चरण रेणु जुसा महोत्सान, क्या कभी मेरे ऐसे सौभाग्य होगा ब्रज गोपियां जब चल कर के जाएगी, अगर मैं घास बना रहूंगा ना, जब चल कर के जाएगी इनकी चरण की धूल पड़ेगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। अगर वहां गुलमलता बन करके रहूंगा कभी तो राधा कृष्ण लीला करेंगे हैं, अगर लता बनकर रहेंगे तो लीला दर्शन हो जाएगा। बोले औषधि वृक्ष की प्रार्थना की, बोले क्यों, बोले कहीं बीमारी होगा दवा खाएगा तो उनके हृदय में चला जाएगा। इसलिए बोले बंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पाद रेणु अभिस्नक्ष, इसलिए राधा रानी की चरण की एक धूल को मैं वंदना करता हूँ है। बोले जो सौभाग्य स्वर्ग की देवियों को प्राप्त नहीं हुई है, वो सौभाग्य ब्रज गोपियों को राधा रानी को प्राप्त हुई। लास्ट में उन्होंने राधा जी की चरण की एक धूल का वंदना की है। जो कथा तो बहुत लंबी आपको मैंने एकदम सटकट में सुनाया है, उसमें दो कथा है, आपको हमने एक कथा सुनाई। इसलिए नारद जी लास्ट में जा करके कहां पहुंचते हैं ब्रज में, और उन्होंने ये सिखा दी जगत में अगर भगवान की सबसे प्रिय कोई भगत है ना कभी ब्रजवासी, उसमें ब्रज का सखा और उसमें पिता माता और गोपियां, और गोपियां भी जिनकी चरण की सेवा करती हैं कौन है, श्री राधा रानी। इसलिए राधा शब्द को उल्टा तो क्या होगा धारा, बोले ये राधा नहीं ये कृष्ण प्रेम रस की ये धारा है। हाँ ये राधा रानी कोई साधारण नहीं, जिनकी चरण धूलि ब्रह्मा शंकर नारद भी जिनकी चरण धूलि को प्रार्थना करते हैं, ये कौन है, श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो हम कथा को तो यही समाप्त करते हैं, लेकिन कथा से हम ले करके क्या जाएंगे, ऐसे नहीं सात दिन कथा खत्म हम भी खत्म है। देखो चार जी जी छोड़ेंगे और चार जी जी यहाँ से लेकर के जाएंगे। बोले चार जी जी क्या छोड़ेंगे, बोले जहाँ कली का निवास है। अब पहले सुने हैं परिकृत महाराज कली को उन्होंने निवास चार जगह में दिया। अगर कली युग में कोई चार नियम केवल पालन कर ले और थोड़ी सी भगवान का नाम जप कर ले, वो आसानी से भवसागर से पार हो जाएगा। कहते चार चीज को क्या छोड़े, बोले पहला नंबर भूतल, कली का पहला स्थान है कभी ये सत्य है। अगर जो जुआ खेलता है ना वो कभी सच नहीं बोल सकता है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो मैंने जुआ खेल कर कितने सत्यानाश हो गया, राज्य गया, भाई गया, और भरी सभा में पत्नी की विवस्त्र देखना पड़ा, 13 साल तक जंगल में भटकना पड़ा। खबरदार कभी ये जुए में कभी मत मन लगाया करो, इतने दुर्गति भोगना तो जुए में मन लगाओ, धर्म का पहला सत्य खत्म हो जाता है। दूसरा पानम, किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा फुटका ये सब चीजों में हमें नहीं लेनी चाहिए। संतों का कहना जो शराब पीते है ना उनका 3 लाभ, बोले लाभ है, लाभ पहला लाभ क्या, बोले बूढ़ा नहीं होगा, बोले दूसरा लाभ, बोले घर में चोरी नहीं होगी, बोले तीसरा लाभ, बोले कुत्ते दोस्तों बनेंगे। बोले इसका मतलब क्या, पहला नंबर बूढ़ा नहीं होगा, बोले बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहे तब तो बूढ़ा होगा। इसलिए हम रशिया जाते हैं ना वहाँ देखते ज्यादा ज्यादा लड़कियां हैं। मैंने पूछा भैया इतना इतना पुरुषों की भी नहीं यहाँ पर और इतनी लड़कियां किए क्यों, बोले ये लोग शराब पी पी करके बस खत्म, आधा उम्र में खत्म हो जाती है। दूसरा लाभ किया, बोले चोरी नहीं होगा, बोले चोरी का होगा, घर में कुछ हो तभी तो, सब पी पा करके गहना गाड़ी बेच बाज करके सब तो पी पा रहे, तब चोरी कहाँ से होगा। बोले तीसरा लाभ किया, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे, बोले मतलब क्या, पी पा करके लोग पिरा में पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर पेशाब करेंगे किसी।
इसलिए गलती चीजों का हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। हाँ देखो हरि बोलते बोल, अभी ये दुनिया क्या हो गया, ये दुनिया अभी क्या हो गया, जैसे कोई शादी हो रही है, बच्चे का बर्थडे मनाते रहे, अगर किसको शराब अगर मांस नहीं खिलाओ ना, ये कौन सा शादी, कौन सा बच्चे का बर्थडे मनाया, शराब नहीं खिला, मांस नहीं खिला, नहीं, ये गंदी चीज है, ये पाप है। एक संत कहते थे, अब बूढ़ा मत बना, संत कहते थे जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने बोतल तोड़वा दिया और इतने जानवर को हिंसा किया, बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, तो बच्चे का कभी कल्याण हो सकता है? अगर 100 साल उम्र होगा ना, झट 50 साल में उतराएंगे, झट 50 साल में उतराएंगे, क्योंकि जिस उद्देश्य में तुमने इतने बोतल तोड़वाया, इतने पाप और इतने जानवर को तुमने मारा, ये बच्चे का कल्याण होगा, एकदम कल्याण नहीं। इसलिए शराब पियो को घर में स्थान नहीं देनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम शराब भी जुआरी को ही घर में स्थान देते हैं, अच्छे व्यक्ति को स्थान नहीं देते। इसलिए ये चीज शास्त्र ने मना किया है, ये कली का निवास है, इसलिए कोई नस्ली वस्तु हमें नहीं लेनी चाहिए, जो इसमें करने से तपस्या नष्ट हो जाता है। और तीसरा जो कली का स्थान है, बोले स्त्रियां, बोले स्त्रियों में कली का स्थान, बोले कौन सा स्त्रियों में, बोले संसार करो, शादी करके पत्नी को साथ में संसार करके उसको बताओ, ऐसे नहीं बगैर शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऊपर घूम रहे हो। शास्त्र इसको विरोध किया, तभी इतने डाइवोर्स हो रहे हैं। बोले क्यों, बोले जो लड़का इतने लड़की को साथ में घूम करके आएगी, जो लड़की इतने लड़के को साथ में घूम करके आएगी, घर की घर गृहस्थ कैसे बचा सकती है, घर गृहस्थ कैसे बैठेगा, तो बैठ नहीं सकता है। इसलिए मैं अभी स्टॉप के क्लास में गया था, वो अरब खरबपति है, एक घर गया था, उसकी बेटी बहुत बड़ी हो गई, बोले बेटी की शादी की भी नहीं करवा देते। बोले बाबा हमारे जो बड़े बड़े परिवार ना, बहुत अरब उनके परिवार भी ऐसे, बोले ऐसी ऐसी घटना देख देख करके हम बच्चे को शादी कहाँ से कर गए, अगर शादी एक महीना टिक गया ना, बहुत दिन टिक गया, वो टिकती नहीं शादी, और अरब करोड़ों करोड़ों पैसा दे करके शादी कर तो बिजली जाते डाइवोर्स। इसलिए हम डरते हुए अपनी बेटी को कहाँ दे, बोले हमें चिंता भी पड़ गई, वो बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी। इसलिए ये सब चीज शास्त्र ने मना किया, सब चीज को है। इसलिए जो चौथा नंबर है, कहते जीव हिंसा, कहते यहाँ करने से दया खत्म हो जाती है। जीव हिंसा मतलब मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसको कहते मांस, मांस मतलब क्या, मां संस्कृत शब्द मांग, मतलब मुझे, सह मतलब हुआ, मतलब अभी जिसको तुम खा रहे हो बाद में। इसलिए भागवत में कथा आती है, एक राजा यज्ञ में पशुधान बलि जाता था, नारद जी मिले सुरत राजा थे, बोले ये सब क्या कर रहे हो, बोले यज्ञ में पशु बलि कर रहा हूँ, बोले इसका परिणाम जानते हो क्या, बोले क्या परिणाम, बोले तेरे को दिखाता हूँ। उन्होंने मंत्र पुत्र करके पानी छिड़काव करवाए, देखा जंतू ले जा रहे हैं, और जितने जानवर को उसने खाया था ना, जो तलवार लेकर के लाइन होकर खड़े हुए, बोले तुम लोग कौन हो, बोले याद है कभी तुमने भी हमें खाया था, पाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता, तू इधर आ, उसको शरीर को टुकड़े टुकड़े करके काट रहे थे, चीख रहा था, बोले हमें भी, हम भी चीख रहे थे। इसलिए हम जो पाप कर्म करते हैं ना, जैसे कि बल दीवार में मारो, झट इसका झट उल्टा रिएक्शन है, अगर आप एक थप्पड़ मारूंगा तो दो थप्पड़ झट मारोगे। केवल हम ही भगवान की संतान नहीं, ये जितने जानवर जितने चिड़िया ये भी भगवान की संतान है, हैं, ये भी भगवान की संतान है, ये सब चीज भगवान की संतान है। किसको काट करे खाएंगे, देखो संतों का कहना है हम सुख चाहते ना दुख चाहते होता, बता सुख चाहते ना दुख चाहते, सुख चाहते, हम कहते सुख दो तभी सुख मिलेगा, है ना, किसको दुख देकर कभी सुख नहीं पा सकते हो। कहते जो जानवर को काट कर खाते हैं और जीवन में सुख चाहते हैं, बोले इनके जैसे बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। अरे तू तो दूसरों को काट काट कर खा रहे हो, दुख दे रहे हो, और जीवन में तू तो सुख चाह रहे हो, तेरे जैसे मुर्गों की जगत में है, बोले सबसे बड़ा बेवकूफ तुम हो। इसलिए दुख देकर कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इस जीव हिंसा में छोड़ करके कभी कभी चार नियमों का पालन कर लियो, बोले कलि युग में नहीं वो सत्य युग में निवास करते हैं, और थोड़ी सी कलि युग में जो दवा है भगवान का नाम है, ये दवा है। जैसे आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाओ, बोले ये बीमारी, अगर वो तुम्हारी बीमारी सही करना चाहेगा ना, सबसे पहले परहेज बताए, बोले बेटा दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, अगर परहेज के साथ में दवा लोगे ना, तुम्हारी जल्दी जल्दी बीमारी खत्म हो जाएगी। बोले परहेज किया, बोले ये चार ही परहेज है, बोले दवा किया, बोले भगवान का नाम, यही कलि युग में, कलि युग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर
होता रहे महाराज, इसलिए चार चीजों में त्याग देनी चाहिए। बैठो, हरे कृष्ण, चुपचाप बैठो। इसलिए ये चार चीज को केवल त्याग दे दो, बोले चार चीज को लो, बोले चार चीज क्या लेंगे भागवत से, बोले पहला चीज ग्रहण करेंगे भागवत से। ये भक्ति करने के लिए ये चार चीज की बहुत जरूरत है। शास्त्र भागवत में बताया जो पहला चीज है, कहते हर घर घर में तुलसी पौधा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जब ये दुनिया छोड़कर गए कहते ये तुलसी में अपना स्वरूप रखकर जाते हैं। ये तुलसी नहीं, ये सखा लक्ष्मी है। हम बोलते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों, बोले बांके भी आए, बोले वृंदावन में क्यों, बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जहाँ तुलसी का वन है वही भगवान है। ये जिनकी घर में तुलसी वृक्षा है कहते माँ लक्ष्मी के निवास और भगवान का निवास है। इसलिए हर हिंदू पहले घर के सामने तुलसी रखा करते थे। तुलसी की सेवा करने से, पानी देने से, परिक्रमा करने से कहते घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। हमारे शास्त्र ने बताया जिसके घर में तुलसी जितनी हरा भरा होगी तुम्हारी भक्ति उतना बड़ी करो, पैसा उतना आएगी। कहते लक्ष्मी की कृपा है कि नहीं, क्योंकि ये नारायण को साथ में शादी होती है, आपको पता होगा। जितने घर में तुम्हारी तुलसी पनपना तुम्हें बढ़ेगी, देखना घर में सुख शांति उतना आएगी। ये तुलसी वृक्ष से पता चल जाती है। अब देखना किसी घर में तुलसी वृक्ष ही नहीं रहती, तुलसी वृक्ष को बोने पर भी नहीं रहता, ये गलती चीज है। इसलिए तुलसी घर में रहनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और गले में भी तुलसी की माला हमें धारण करनी चाहिए गले में, क्योंकि ये तुलसी लक्ष्मी और भगवान का निवास है, हैं? इसलिए जब महाराज दूतों को बोले, बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं ना उनको मेरे पास में मत लाया करो, बोले हमें पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता है नहीं करता है, ध्यान दे उसमें। तेरे दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके गला में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है क्या के कुत्ते। और जो फालतू कुत्ते होते हैं ना बिना पट्टे के जो रोड रोड घूमते हैं, देखना पालतू को कोई मारेगा नहीं और पालतू को कोई छोड़ेगा नहीं, पालतू को। इसलिए हमें पालतू होनी चाहिए भगवान की। जैसे भगवान को जो कुछ भोग लगाओ, अगर तुलसी दल दे दिया ना ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए गले में कंठी पहन लिया तो ये शरीर ठाकुर जी की समर्पित हो जाते हैं। और ये तुलसी में है ना बहुत सारे मेडिसिन है, ये बहुत सारे मेडिसिन है तुलसी में। इसलिए तुलसी गले में, तुलसी कंठी हमें धारण करनी चाहिए। पहला नंबर ये तुलसी कंठी। बोले दूसरे चीज क्या लो, बोले एकादशी व्रत करनी चाहिए। एकादशी व्रत की विशेष विशेष महत्व, इसलिए भागवत में और कोई व्रत का नाम नहीं, केवल एकादशी की कथा भागवत में आती है, है? इसलिए आप लोग जरूर ये एकादशी व्रत जरूर रखा करना। देखो ये एकादशी को बताया ये कल्प वृक्ष, कल्प तरु मतलब एकादशी से जो कुछ मांगोगे, आप लोग पढ़ करके देखना, जैसे सोम मंगल बृहस्पति, जैसे नवदुर्गा और जैसे नवरात्रि रखते हो, कभी ये इसका कोई एक एक फल होगा। आप एकादशी कथा पढ़ना, ये 15 दिन में एक तक 24 एकादशी। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, तो जो एकादशी करने से माँ लक्ष्मी कृपा होती है। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, जिसको करने से पाप नष्ट हो जाती है। एक एकादशी का नाम मुख्यदा, जिसको करने से मुक्ति मिलती है। एक एकादशी का नाम पुत्रदा, मतलब जो एकादशी करने पर तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। अब 24 एकादशी की पढ़कर देखो, सबका अलग अलग फल है, अलग अलग फल, हर एकादशी का अलग अलग फल। इसलिए किसी राजा का राज्य चला गया था, एकादशी व्रत किया तो राज्य आ गया। किसी घर में बहुत दुख कष्ट थे, वो एकादशी व्रत किया तो घर में सारे शांति सुख आ गया। अब स्वयं एकादशी व्रत की ग्रंथ कर लेना। अब पढ़ना हर एकादशी के अलग 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 फल है। इसलिए पुराण में बताया गया तराज लो, सारे व्रत का फल एक तरफ में रख लो, केवल एकादशी का फल दूसरे तरफ में रखोगे ना कहते भोजन आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा भोजन मिलेगा एकादशी। तो राजस्थान में, यहाँ पर कोई राजस्थान से है कोई, यहाँ पर कौन है राजस्थान के, देखे एक दो है। राजस्थान में एक नियम है, ये राजस्थान के, राजस्थान का नियम है, अगर कोई व्यक्ति एक तो अंतिम सज्जा में लेटा हुआ, प्राण नहीं जा रहे, कुष्ठ पा रहे, अगर किसी ब्राह्मण को बुलाएंगे, सबसे पहले ब्राह्मण बोलेगा कोई है जो एकादशी व्रत कर उसका फल दे सकता है। एकादशी के इतने फल, अभी मैं कुछ दिन पहले यूरोप गया था, हमारे महाराज के परिवार में कोई एक व्यक्ति, उसने हॉस्पिटल में दो साल से हॉस्पिटल में भर्ती था, प्राण किसी तरह से नहीं निकल रहा है, गला में अटक था, इतने कष्ट उठा रहा था जो सोच नहीं सकते। मेरे को हॉस्पिटल में बुला करके ले गए, बोले बाबा इनके दुख हम देखा नहीं जा रहा,
इतने दुख इसमें टाटी पेशाब कब से कर रहे हैं, क्राइस्ट को अगर कृपा करो। मैंने कहा देखो एक काम कर लो, आप लोगों से एकादशी व्रत करके इसका फल दो, पूरा परिवार एकादशी व्रत रखो। बोले 10 दिन अभी बाकी है, इनकी इतने कष्ट है हमसे देखा नहीं जा रहा है, अभी 10 दिन बाकी। मैंने कहा संकल्प कर लो हम सबके सब एकादशी करके व्रत फल देंगे। उन्होंने वहीं पर संकल्प किया और उसी रात को उसका शरीर गया। अब स्वयं अपना परिवार देख लेना, बहुत कठिन व्याधि, कोई दुख कष्ट भोग करके अब अच्छे तरह से एकादशी व्रत करके फल दे दो, उसी समय पाप नष्ट हो जाएगी। इतने महिमा एकादशी के एक जगह नहीं, हजार ऐसे प्रमाण है। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना। एकादशी व्रत का जो अधिष्ठाता देवता कृष्ण और स्वयं राधा रानी, ये माधव तिथि है, इससे बड़ा तिथि दुनिया में। इसलिए भागवत में ना कोई सोम कोई मंगल कोई व्रत नहीं, भागवत में कोई व्रत का नाम नहीं, केवल एकादशी कथा जिसको अंबरीश महाराज जिसको माँ जसोदा नंद बाबा व्रत किया करते थे, है केवल एक एकादशी कथा। और ये जितने व्रत हम कर रहे हैं ना, किसने लिखा? व्यास। लेकिन व्यास देव सारे ग्रंथ लिख करके उनको शांति नहीं मिली, लेकिन जब एकादशी व्रत लिखे तब शांति मिली है। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना। और ये आप लोग तो मंदिर में आते हैं, कुछ लिखिएगा एकादशी कब है, दूसरे तरीके से व्रत खोलना कि मठ में आते रहे तो ये सब बात बताएंगे। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना। और जो तीसरी चीज है, हर घर घर में ठाकुर जी की पूजा होनी चाहिए। इसलिए मीरा कहती है अली मोहि लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी। इसलिए हर घर घर में सुंदर ठाकुर जी के लिए सुंदर मंदिर बनाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, तो जिसने सारा दुनिया हमें दिया है घर मकान, हम तो बढ़िया अपना लिए तो बढ़िया रूम बनाएंगे, और ठाकुर के लिए जो रिजेक्ट का स्थान है ना, वही पर ठाकुर जी का मंदिर बनाए। सबसे छोटा स्थान कहते, सबसे छोटा स्थान ठाकुर जी के लिए हम रख लेंगे। और जिसने तुमको सब कुछ दिया अपना घर का देखो कितना बढ़िया सजाए, लेकिन ठाकुर ने ऐसे नहीं, ठाकुर स्वयं कहते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। अगर भगवान की सेवा करोगे ना, आप देखोगे जैसे ठाकुर तुमसे बात करेंगे, सब कुछ ठाकुर सब कुछ करेंगे। इसलिए वो विग्रह नहीं, साक्षात ठाकुर जी स्वयं भगवान ये अर्चा रूप में आए। इसलिए हर घर घर में सुंदर करके ठाकुर जी की सेवा पूजा करना, गोपाल हो राधा कृष्ण हो सीताराम हो अच्छे तरह सेवा करना। ऐसे नहीं खुद तो दिन में 3 बार ड्रेस बदलाते हो और ठाकुर को 15 दिन से एक ड्रेस में रखते हो, नहीं। द्रौपदी ने भगवान को केवल थोड़ी सी साड़ी फाड़ करके दे दी, भगवान हरी सभा में उन्होंने क्या वस्त्र प्रदान किए। इसलिए शास्त्र ने बताया जो भगवान की जो ड्रेस पहनाते हो ना, उसमें जो एक एक धागा है उतना जो भगवान को वस्त्र पर उतना कल्प तक उसको वैकुंठवास होता है। इतने महिमा भगवान को वस्त्र प्रदान करने के लिए। इसलिए हम जैसे रोज स्नान करते हैं, ठाकुर को स्नान कराओ, चरणामृत बच्चों को दो, सुख कष्ट खत्म होगा। इसलिए रोज ठाकुर को सुंदर करके श्रृंगार करो, ठाकुर जी को सुंदर करके कपड़ा पहनाओ ठाकुर जी को, है वो कोई विग्रह नहीं, कोई पत्थर नहीं, वो कोई अष्ट धातु नहीं, वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं ठाकुर जी है, हैं? वो सख्यात बात करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे अगर हम सेवा करें, ठीक है ना, घर में। हाँ, अब जो सबसे जो बढ़िया चीज लेकर के जाओगे भागवत से, भगवान है नाम। इसलिए भागवत को बताया नाम पूरा, ये भागवत नहीं, भगवान का नाम की महिमा जिसमें। इसलिए भागवत का जो पहला श्लोक है ना, वो भगवान के नाम से प्रारंभ हुआ। अब जब भागवत समाप्त हो गई, वो भगवान के नाम से समाप्त हुई, मतलब ये भागवत का जो सार है ना, ये ठाकुर जी का नाम है, इसलिए उसको नाम पुराण बताया गया। इसलिए आप लोग जरूर भगवान के नाम को जप करना। एक बार हाथ उठा, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे जरूरत नहीं।
हाथों में काम और मुंडो भगवान का नाम बस बड़ा पार। हाँ देखो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, यहीं पर कथा को समाप्त कर देते हैं। अच्छे तरह से याद रखना ये कथा सुनाने के बाद है ना, मैं किसी को भी पूछूंगा, अगर जो नहीं बोल पाएगा ना बीच में उसको खड़े कर दूंगा, इसलिए ऐसे सुनना जैसे सुनने के बाद मेरे को वो कहानी सुना सके। ठीक है, ठीक है ना, अभी मन लगा कर सुनो। अब इस कथा को याद कर लेना, अब जिसका आप सुनाओगे ना उसका मन भी प्रभु का भजन में लग जाएगी। अच्छे तरह से सुना, कोई एक राजा था, कह दो राजा की चार रानियां थी, कितने थी? जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद थी, उसको दे देकर उसको खुश रखता था। राजा की तो दूसरी नंबर की रानी वो चार रानी में सबसे सुंदर थी। राजा जब नगर घूमने जाता था उसको सबसे सुंदर श्रृंगार करके रथ में बिठा लेता था और दुनिया को दिखाता था, देखो कि रानी मेरी कितने सुंदर है। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बड़ी बात को मीठी मीठी बना बना करके बोलती थी। राजा जब महल में आता था वो तीसरी रानी के पास में बैठता था, वो जो मीठी मीठी बोली बना बना करके बोलती राजा सुनकर खुश होता था, और जो मन की बात और किसी को नहीं वो तीसरी रानी को अपना मन की बात बोलता था। राजा की जो चौथे नंबर की रानी थी है तो बड़ी प्यारी, लेकिन जब से उसने शादी करके घर में लाए ना उसको साथ में कोई मतलब नहीं था, कभी उसको पूछा ही नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी उसको पूछा ही नहीं, उसको सबसे जीवन का नेगलेक्ट बना कर रखा। अभी राजा का अंतिम समय आया मरने का, सोचा मेरे चार चार रानियां, अभी इन्हीं से उस प्रश्न करता हूँ कौन कहाँ तक मेरी साथ थी। सबसे बड़ी रानी का नंबर आया, बड़ी रानी कौन थी? अभी अभी भूल गए कथा को, बड़ी रानी कौन थी? कौन बोलेगा हाथ उठा, बड़ी रानी कौन थी? बड़ी रानी कौन थी? हाँ राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और जिसकी मन ध्यान देकर सुनो ना, अभी अभी बोलते बोलते भूल जाते, राजा जिसकी मन पसंद चीज को दे देकर खुश करता था। बोले रानी तू मेरे साथ में चलोगी तो सबसे ज्यादा धोखे देने वाली बेटी है, बोले तेरे साथ में कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों? तेरे लिए जो जीवन देकर सेवा की, बोले ये तेरा कर्तव्य था करना। बोले तेरी? बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरी प्रति नहीं। राजा को बड़ा कष्ट मिला, जिससे सबसे बड़ा आशा रखता था वही धोखा दी। अभी दूसरी नंबर आए, दूसरी नंबर कौन थी? सबसे जो सुंदर थी। राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था कि रानी मेरी कितने सुंदर है, उसे जो पूछा तू चलोगी? बोले चलोगी, मैं तो देख रहा हूँ तू तो मरोगी, अब मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगी? बोले देख मैं कितने सुंदर हूँ, है तो बड़ी सुंदर ही। बोले इसलिए तो बोलता हूँ जिसको पास में जाऊंगी वो मेरे को पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी करूंगी। राजा बोले देखो कोई शर्म नहीं, कैसे बोल रही है? अभी तीसरी रानी से पूछा, बोले तू चलोगी? बोले हाँ चलूंगी, लेकिन एक दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजा तक चलना कोई चलना है? बोले ज्यादा बोलोगे ना, चार कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ लेकिन तेरे साथ नहीं चलूंगी। बोले भैया तू भी किसी काम के नहीं, दरवाजा तक चलने वाले कोई चलना कहते हैं, बोले तू भी बेकार है। अभी चौथी नंबर आए, चौथी नंबर कौन थी? जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करता था, बेकार मान कर बैठा है। बोले तू चलोगी? लेकिन वही चलने के लिए तैयार हूँ। बोले राजा तेरे को दिल से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की विषय है तुमने कभी एक बार मेरे को झांक कर भी नहीं देखा, कभी बोला नहीं तेरे को क्या चाहिए नहीं चाहिए, भले ही तू मेरे प्रति जो कुछ किया गया लेकिन तेरे को मैं बहुत दिल से प्रेम करती हूँ, साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी और दुखी में दुखी रहूंगी, जीवन दे करके तुम्हारी सेवा करूंगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा, जिसके लिए जिंदगी दे दिया वो जाने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए कुछ नहीं किया वही जाने के लिए तैयार। देखो ये जो कथा है ना, ये हमारी जीवन की कथा है। अगर आप आज इसी कथा को आप समझ गए ना, समझ लेना पूरी भागवत हमारी समझ में आ गई, पूरी कथा आप समझ गए, अब इसका मतलब को समझो। सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी जीवन में जिसको सबसे ज्यादा हम प्रेम करते हैं, तो जो मांगती है ना उसी समय ला ला करके उसको देकर खुशी करते हैं, लेकिन जब हमारी अंतिम समय आएगा उससे पूछे के साथ में चलोगी, लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे वही है। कभी कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और उसकी मन पसंद चीज चीज को देकर खुश कर रहे हैं, बताओ तो कौन है? कौन कौन बोलता है? और कौन बोलता है? आप लोग बताओ, कुछ कुछ तो सही बताए, हम लोग इसको प्रेम करते हैं।
पता है कि नहीं किसको किसको प्रेम करते हो? किसको करता हूँ बोला? पति को। हाँ देखो, इसलिए शास्त्र में जो बताया है ना कि जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं। वो जो प्रेम थोड़ी बहुत हमें दिख रहे ना ऊपर में, वो चुके आपसे कुछ अभी मिल रहा है, वो एक दिन मिलना बंद कर दो, वो झट बोलेगा हम जिंदगी भर किसको क्लिक करो। एक दिन कोई अगर त्रुटि हो जाए ना, झट बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किया, झट उसका मुंह से आएगा। इसलिए शास्त्र ने बताया जगत में प्रेम नाम का कोई चीज नहीं, यहाँ तक अब स्वार्थ है। फिर अभी प्रश्न होता है, पर जगत में हम सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? कहते हम अपने आप को और ये शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अगर इसको जो आनंद देगा वही हमारे सब कुछ है। शरीर अगर बोलेगा ब्यूटी पार्लर में हम सजना चाहते, बोले चलो सजाएंगे, बोले गोलगप्पे खाने चाहते, बोले चलो खिला करके आएंगे, बोले हम सिनेमा देखने चाहते, बोलो चलो सिनेमा दिखाएंगे, बोले जिम में जाना था, बोले जिम में चलो, बोले चबन प्रास खाना था, बोले चबन प्रास। ये शरीर हमें जो मांगता है ना, बोले ऐसे कपड़ा पहने, बोले पहनेंगे। ये शरीर जब हमें जिस समय मांगता है ना, हम उसी समय उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। अंतिम समय में शरीर से पूछा, क्यों शरीर साथ में चलोगे? कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पैरा रह जाएगा। जब शरीर से ये परमात्मा चले जाए, जिस शरीर को हम इतने कितने स्नो पाउडर और क्या क्या देकर शरीर को क्या क्या नहीं किया, ये शरीर जहाँ पे कहाँ पड़ी रह जाती, ये शरीर सबसे पहले धोखे दे दी। अभी दूसरी नंबर आई जो सबसे सुंदर, उसने उत्तर क्या दिया, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले सबसे सुंदरी कौन है? कहते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा सुंदरिया। ये सबसे बड़े सुंदरी, लेकिन पैसा नहीं होगा ना सब बेकार है। अगर पैसा रहेगा तो बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया गाड़ी बाड़ी सब कुछ बढ़िया बनाएंगे, कपड़ा बढ़िया पहनेंगे। उससे पूछा साथ में चलोगी? बोले चलूंगी क्या, मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं तो दूसरे से शादी करने वाला हूँ। मतलब क्या है? बोले मतलब है ये शरीर छूटते ही जिस पैसा को हम इतने कष्ट करके कमाए, फिर वो दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए बच्चे पहले से देखते रहते हैं पिताजी कितने प्रॉपर्टी, कितने दुकान, कितने मकान, कहाँ पर कितने एटीएम कार्ड में कितने पैसा, वो पहले उनका नजर रहता है। बस शरीर छूटते ही वो दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। कहते भैया मैं तो दूसरे से शादी करूंगी, तेरे साथ में मैं नहीं जाऊंगी। अब जिसको पास में जाएगा वो भोग करेगा, ये भी हमें धोखे देगी। अभी तीसरी नंबर आई, तीसरी नंबर कौन थी? राजा जिसकी मीठी मीठी बोली सुनता था, मन की बात करता था। कहती ये कौन है? बोले ये परिवार वाले। परिवार सबसे पहला नंबर आया पत्नी की। बोले पत्नी मेरा अंतिम समय हो गया, साथ में चलोगी? बोले हाँ चलूंगी, लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। जिसको साथ फिर लगा कर शादी किया है, पति चले जाए तो पत्नी कहाँ तक चलेगी? दरवाजे तक चलेगी, उसको आगे और वो नहीं चलेगी तुम्हारे साथ में। परिवार वालों से पूछे कहाँ तक चलोगे? बोले तेरे लिए अर्थी सजाएंगे, रथ सजा करके राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ? बोले स्मशान तक। बोले वही जला करके टाटा करते करते वापस वापस आ जाएंगे। हाँ अभी ध्यान देकर सुनो, जो हमारी काम की बात है, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखा था, ये बेकार किसी काम की नहीं, एक बार झांक कर भी नहीं देखा, लेकिन अंतिम समय आया जब उसने पूछा कि वही साथ जाने के लिए तैयारी हुई। कहती ये कौन है जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखे, जो हमारी काम में आने वाली? कहती भगवान की भक्ति और ये भगवान का नाम है, है? इसलिए अगर जिसको बोले भैया थोड़ा भगवान का नाम कर, पेट भरेगा। जिसका काम धाम कुछ नहीं, वही सब माला लेकर हरे कृष्ण करते हैं। हमारा तो बहुत सारे काम है, टीवी देखना, पेपर पढ़ना, गप्पे मारना, हमारा तो बहुत सारे काम है। बोले भैया जिंदगी में जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा ना, जब ये शरीर छूटेगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? राम नाम सत्य है। जोर जोर से बोलो, राम नाम सत्य है। यही बोलेगा ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गते हैं सब कोई बात झूठा। यही बोलेगा ना, बोले बेटा जितने तुमने राम का नाम लिया, आठ घंटा सो, बहुत समय है आठ घंटा सोने के लिए, और आठ घंटा बजता है, बोले आठ घंटा भजन करो। बोले नहीं इतना नहीं कर सकते। बोले अगर इतना नहीं कर सकते हो, फिर बारह घंटा तुम काम कर लो, आठ घंटा नहीं कर, बारह घंटा काम करो, बहुत है। और आठ घंटा सो तब भी चार घंटा बजता है, चार घंटा तो भजन करो। इसलिए संतों का कहना है, सवेरे जो दो घंटा है ना, ये परिवार का अपना शत्रु माना,
ये परिवार का अपना शत्रु मान लो, सचमुच से शत्रु है। ये सारे एनर्जी जो भगवान की भजने के लिए आए थे, ये सारे हमारी एनर्जी को खींच रही है। इसलिए भागवत में बताया सोजना का दस्यु, ये सब डाकू है, सब के सब भागवत में कहता है। इसलिए कहते इसको कृष्ण रुक्मिणी तैयार किया है, तैयार किया कृष्ण रुक्मिणी को, मैंने सोचा था तो बनाया नहीं, बन गया ठीक है, अभी कृष्ण रुक्मिणी आएंगे। इसलिए क्या फिर शाम को है ना, फिर दो घंटा सबको शत्रु मानो, दो घंटा भजन करो दिन में, फिर सबको मित्र मानो है। इसलिए भगवान की भजन करनी चाहिए। अभी कृष्ण रुक्मिणी आएंगे, देखो हाँ ध्यान देकर सुनो, आपका पिताजी कहाँ गए, इनके पिताजी कहाँ है था आपके पिताजी, अरे तुम्हारे पिताजी कहाँ गए, इधर आ जाओ, इधर अंदर में आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ, थोड़े समय के लिए इधर आ जाओ प्रभु जी, इधर आ जाओ। क्या नाम, हरे कृष्णा। इधर सुना, देखो ये जो कथा है, हमारे सत्यपाल प्रभु जी और उनकी जो धर्म पत्नी श्री कमलेश माता जी, इन लोगों ने इनकी अपनी शादी की सालग्रह में, मतलब ये 50 साल इनकी शादी की पूर्ति हुई। लोग तरह तरह का काम, डिस्को डांस, उल्टा पुल्टा, लोगों को बुला करके, पता नहीं आप लोग आपको पता होगा, लेकिन इन लोगों ने इधर उधर किसी काम नहीं करा के उन्होंने माता जी इधर मिला, इसलिए इन लोगों ने बोले नहीं हम इधर उधर कोई चीज नहीं करवाएंगे, हम तो वृंदावन से भक्तों को बुला करके हम ये श्रीमद् भागवत कथा रखवाएंगे है। इसलिए आप लोगों ने 7 दिन तक ये कथा सुने, कितने आनंद कितने नाच कूद में गया, ये सब आप चीज आप लोग सब चीज को जानते हो। भैया आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ माता जी, इधर आओ। इसलिए शास्त्र में बताया जगत में जितने दान हैं, जगत में सबसे बड़ा दान किया है बलिए श्रीमद् भागवत कथा की जान, इससे बड़ा दान पृथ्वी में कुछ नहीं है, हैं? इसलिए ब्रह्मा जी एक तराजू ला करके तराजू का एक तरफ में जगत का जितने पुण्य को धर दिया, दूसरे तराजू के तरफ में केवल भागवत कथा को धर दिया, तो सबसे ज्यादा भोजन हो गया भागवत कथा। मतलब आप लोगों ने कथा सुने 7 दिन तक, प्रसाद पाए हैं, और आप लोगों ने देखा कितने आनंद से 7 दिन बीता। इसलिए जितने इसमें पुण्य होगा ना, कभी ये पति पत्नी इनके बच्चे को मिलेगा, हाँ इनको पति पत्नी और इनके बच्चे को ये सब मिलेगा। राजीव, इनका इनका बेटा विदेश में रहता है, अरे भागवत सप्ताह सुनने के लिए उन्होंने विदेश में यहाँ पर आए, इसलिए इन लोगों ने पूरा दिल खोल करके सब कुछ खर्च किया। कल तो उन्होंने कितने सुंदर राजभोग बनाए, हाँ अन्नकूट बनाए, जिस अन्नकूट में इन लोगों ने छापान भोगनी 108 तरह का प्रसाद बनाए, 108 तरह का प्रसाद बनाए। और इनकी जो सुपुत्री कहते से रुचि राधा, राधा प्रिया, और ये दिन रात भाग दौड़ कर रही है, हाँ सारे चीज भाग दौड़ करके ये पहले हमसे फोन की, महाराज हम पिताजी के सालग्रह भागवत कथा कितना दिन से क्या क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, और आज ये प्रत्यक्ष रूप में ये कथा सार्थकता हुआ। और इनका जो दामाद श्री नित्यन प्रभु जी, और इनका जो बड़े भैया श्री हमारे रोहिणी सुत प्रभु, और इनका जो पत्नी है श्री ललिता सुंदरी दीदी है, इसलिए यहाँ पर बैठी लोगों ने पूरा मिल करके कथा के लिए बहुत किया। इसलिए आप लोग इनके लिए बड़े जोरदार ताली बजा। इसलिए हम भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी इनको ऊपर में कृपा करें और ये फलते फूलते रहे, और जैसे सारा जीवन गुरु वैष्णव की भगवान की सेवा करते रहे, और भगवान कृपा हो। माला लो, इस पकड़ो इसको, इसको अपना पत्नी को दो, ठीक है उसको पत्नी को दो, इधर नहीं घूमो घूम करके उनको पत्नी को बोलो इनको पहना है, आपका दो बार शादी हो रही है भागवत में, बस उनको पहना प्रभु को पहना पहना हाँ सर चालू फटो कैसे
वृंदावन की बिहारी लाल की। अब ठीक से खड़े हो जाओ ना, अब तो ये फोटो ले रहे हैं, ठीक से फोटो ले जाएंगे नहीं। हरे कृष्ण। एक मिनट, अब थोड़ा बैठ जाओ, वहीं बैठ गया, वहीं पर बैठो ना, सामने बैठो, ऐसे मुंह करके इधर मुंह करके। हरे कृष्ण। थोड़ी से बैठ जाओ, यहीं पर बैठ जाओ, दो मिनट बैठ जाओ। हाँ तुम भी बैठ जाओ। लगा हर इनको एक माला नहीं दिया, कोई भैया को माला नहीं दे, भैया की माला दे दो। हरे कृष्ण। हाँ देखो इनका आश्रम महाराज है, यहाँ पर आश्रम महाराज है। कहाँ है आश्रम महाराज जी? आश्रम महाराज देखो ये जो मंदिर में है ना हमारे, यहाँ पर से आश्रम महाराज जी और बाबा जी महाराज और यहाँ के जो मंदिर के जो सेवक लोग है ना, इन लोगों ने तन मन दे करके, इन लोगों ने बड़ी सेवा की तन मन दे करके। महाराज इधर आ जाए महाराज जी, इसलिए इन लोगों ने बड़ी तन मन दे करके, महाराज तो दिन रात एक करा दिया, क्योंकि यहाँ पर अभी नवरात्रि चल रहा है, यहाँ पर बंगाली भक्त लोग भी नवरात्रि कर रहे हैं, रोज रोज प्रसाद और रोज रोज सभी जितने भक्त लोग आते हैं सभी के लिए प्रसाद, महाराज दिन रात इन्हें कोई टेंशन नहीं, इन्होंने पैसा दे दिए लेकिन उन्होंने दिन रात बराबर करके, उन्होंने बहुत कष्ट करके उन्होंने क्या पूरे जो कथा को उन्होंने सार्थक किया, सबको प्रसाद की व्यवस्था की और मंदिर के जितने सेवक लोग हैं बहुत अच्छे तरह से दिन रात सारे सेवा करते हुए ये कथा को सार्थक मंडित किया। इसलिए हम भी चाहते हैं ठाकुर जी गुरु वैष्णव मठ के जो सेवक लोग हैं इनको आशीर्वाद करें। अब इन्हीं के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। इसलिए ठाकुर जी हरे कृष्णा हरि बोल। और देखो ये कथा में सबसे ज्यादा जो अंशीदार है, जो धन्यवाद के पात्र को हम जानते हो आप लोग हैं जो यह कथा सुनने के लिए है। अगर मैं भी आ जाता इस सबके सब व्यवस्था हो जाता, लेकिन अगर आप लोग कथा सुनने नहीं आते ना फिर कथा हो सकता था नहीं। अगर परीक्षित महाराज नहीं होते ना सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते क्या? नहीं, सब बेकार हो जाता। इसलिए कथा में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है जो कृपा पात्र है जो श्रोता आए हैं, इसलिए आप लोग भी आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ। देखो इन कथा में हमारे वृंदावन से भक्त लोग कितने सुंदर सुंदर कीर्तन किया, हमारे श्री श्याम सुंदर प्रभु जी कितने सुंदर क्यासियो बजाए हैं और कितने सुंदर आपको नाच नचाया, और हमारे श्री श्रीदाम प्रभु जी बड़े सुंदर उन्होंने ढोलकी बजाए और हमारे श्रीकांत प्रभु जी पैर बजाए। इसलिए इन लोग अगर नहीं होता ना बड़े सुंदर इतना कथा मैं भी कथा नहीं कर पाता, इतने में बोल नहीं सकता, बीच में कीर्तन करते ना ऐसे गुस्सा आ जाते हैं। हम इनके लिए भी ताली बजाए।